सभी जितने भी हमारे साथी लोग जुड़ गए हैं, सभी को नमस्ते। और हम लोग अपने आज के सत्र को शुरू करते हैं। तो आज सुबह बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई, क्योंकि मेरे लिए दिखता है कि भाई मैं अपने से जो कर देखूं, बहुत सारी चीजें जो भी मैं कर रहा हूं, मैं सुखी होना चाहता हूं, निरंतर सुखी होना चाहता हूं, इन सब बातों मेरे लिए क्या है, मुद्दा दिखाई देता है। और यहाँ पर आज सुबह से जो चर्चा चल रही है, तो वो तो यही चल रही है कि खुद को समझने की, कि मैं क्या हूं। मैं केवल शरीर हूं, या शरीर के साथ साथ कोई दूसरी भी इकाई है। तो ये दिखाई देता है कि मैं भी हूं और शरीर भी है। अक्सर ये जब हम नाम मैं लेते हैं, तो इसमें भी लोग हम इसको अहंकार या इस तरह से भी समझने लगते हैं। तो यहाँ पर मैं को एक इकाई के रूप में जा रहा है, ये कोई अहंकार या इस तरह की बात नहीं की जा रही। उसका नाम आप मैं की जगह कुछ भी दे दे, एक्स वाई जेड ए बी सी, जो भी ठीक लगे आप दे दे। लेकिन इस पूरी चर्चा में जो मुख्य मुद्दा वो ये है कि हम उस मैं को समझ पाए, स्वयं को समझ पाए, खुद को समझ पाए, वो एक मैं कौन हूं उसको समझ पाए। और जब मानव को देखने जाते हैं, तो ये दिखाई देता है कि मैं भी हूँ और शरीर भी है। और मानव मैं के और शरीर के सह अस्तित्व, साथ साथ दोनों ही हैं, साथ साथ व्यवस्था में बने हुए हैं ये दोनों ही, इसी को मानव कह रहे हैं। फिर मैं की क्रियाओं पर भी सुबह आज चर्चा हुई। अगर इस पूरे कंटेंट को देखें, तो जो इस पीपीटी में पूरा पूरा मुख्य उद्देश्य जो है, या पूरा एक मास्टर स्लाइड कह सकते हैं इस पीपीटी को अगर देखने जाएं, तो ये लिखा है कि मानव की जो मूल चाहना है वो तो यही है कि मानव सुख और समृद्धि की निरंतरता के साथ जीना चाहता है। निरंतरता महत्वपूर्ण है, केवल सुखी और समृद्ध होकर जीना चाहता है ऐसा तो नहीं, ऐसा दिखाई देता है। मैं अपने लिए तो ये देख पाता हूँ कि निरंतरता के साथ जीना ठीक है, या उसके लिए तो जीना चाहता ही। और सुख को कहा कि संगीत में जीने को सुख कह रहे हैं। मानव की मूल चाहना को जो पूरा करने का कार्यक्रम देखे, तो ये बात ध्यान में आई कि भाई मानव का जीना जहाँ जहाँ पर हो रहा है, अगर हम उनको समझ लें और उसके आधार पर जिए, तो वहां से जीना ठीक रहता है। मानव देखा कहाँ कहाँ जी रहा है भाई, तो दिखाई दिया कि मानव खुद के साथ जी रहा है, परिवार में जी रहा है, समाज में जी रहा है, और प्रकृति और अस्तित्व में भी जी रहा है। तो इन चारों व्यवस्थाओं को समझ लें और उसके आधार पर जिए। अब इस समझने के कार्यक्रम को कैसा रखें, आदेश विधि से कर दें, उपदेश विधि से करें, या प्रस्ताव विधि से जांच परख करके करें। तो कल ये बात तय हुई थी, इस पूरे कार्यक्रम को प्रस्ताव विधि से जांच परख करके चलाना ठीक है। आज की जो इस सेशन में हम लोग करीब 1.5 घंटे का सेशन है, 3 से 4:30 तक, तो इसमें जो मुख्य बात करेंगे, तो वो तो ये करेंगे कि शरीर के साथ मेरी क्या भागीदारी। सुबह पहले मानव को देखा, तो ये बात ध्यान में आई कि भाई मैं भी हूँ, शरीर भी है, मेरी कुछ अलग आवश्यकताएं हैं, शरीर की कुछ अलग आवश्यकताएं हैं। मेरी जो आवश्यकता है वो निरंतर दिखाई दे रही है, शरीर की आवश्यकता सामयिक दिखाई दे रही है। मेरी जो आवश्यकता है वो गुणात्मक है, उसमें भाव है, उसमें फीलिंग्स है। वहीं जो शरीर की आवश्यकता दिखाई देती है उसमें मात्रा है, उसमें क्वांटिटी है। जो मेरी आवश्यकता है सुख, वो पूरी किससे होगी, जो दिखाई देता है वो सही समझ और सही भाव से पूरी होती है। जो शरीर की आवश्यकता है वो पूरी कैसे होगी, तो दिखता है कि भौतिक रासायनिक वस्तुओं से पूरी हो। अभी मैं कितना भी समझदार हो जाऊं, जब तक मैं शरीर को कुछ भौतिक रासायनिक वस्तु नहीं पहुंचाता हूं, उसकी आवश्यकता पूरी नहीं हुई। मैं ये कह दूं कि नहीं भाई मैं बहुत समझदार हो गया, अब कुछ भौतिक रासायनिक वस्तु नहीं ले रहा। भाई ऑक्सीजन तो ले ही रहे हैं, वो भी तो एक भौतिक रासायनिक वस्तु है, तो वो भौतिक रासायनिक वस्तु से ही पूरी होती। सेल्फ की आवश्यकता, हम सोचें कि भाई भौतिक रासायनिक वस्तु से पूरी हो जाए, कपड़े से सुखी हो जाए, मोबाइल से सुखी हो जाए, घर से सुखी हो जाए, ऐसा बहुत दिखता नहीं है।
एक्साइटमेंट वाली बात तो हो सकती है, आवेश वाली बात तो हो सकती है, निरंतर सुखी हो जाए ऐसा तो बहुत दिखता नहीं। तो ये बात ध्यान में आई कि अपने में सही समझ के ही सुखी हो सकते हैं। इच्छा को देखने गए तो ये जब एक्टिविटी को देखने गए तो ये दिखाई दिया है कि मेरे में कल्पनाशीलता चल रही है और उसकी को इच्छा विचार आशा का, और ये भी देखा कि वो निरंतर चल रही है। जबकि शरीर को देखने गए तो वहां पर देखा कि भाई वहां की जो क्रियाएं हैं, खाना चलना उठना बैठना सोना, ये निरंतर नहीं है, वो एक समय के बाद रुक जाती है। अभी भी आप एक जगह बैठे होंगे, खड़े होंगे, चल रहे होंगे, और उसी पोजीशन पर निरंतर रहे ऐसा नहीं है, वो चेंज हो जाएगा। पर ये दिखता है कल्पनाशीलता, इच्छा विचार आशा, ये तो निरंतर चल रही है। रिस्पॉन्स को देखने गए, निर्वाह प्रक्रिया को, तो ये देखा कि मेरे में जानना मानना पहचानना और निर्वाह करने की जो प्रक्रिया है वो हो रही है, जबकि शरीर में केवल पहचानना और निर्वाह करना ये प्रक्रिया हो रही है। इतनी बात आज सुबह हुई। अगर इस पर किसी का कोई इमीडिएट प्रश्न है, इसके साथ साथ मैं के ऊपर भी चर्चा हुई कि कल्पनाशीलता चल रही है, इच्छा विचार आशा चल रही है, और इच्छा विचार आशा को जब देखने गए तो वहां ये देखा कि मेरी कल्पनाशीलता जो है वो उसके तीन स्रोत दिखाई देते हैं। एक ये भी दिखाई दिया कि वो मान्यताओं के आधार पर चल रहा है, चल रही है। एक ये भी दिखाई दिया कि वो संवेदना के आधार पर चल रही है, और एक ये भी दिखाई दिया कि सह स्वीकृति के आधार पर चल रही है। जब भी मेरी कल्पनाशीलता संवेदना और या मान्यता के आधार पर चलती है तो मैं परतंत्र हूँ, मैं दूसरे पर डिपेंडेंट हूँ, मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। लेकिन जब मेरी कल्पनाशीलता मेरे अधिकार पर, मेरे स्वयं के अधिकार पर, जिसको कहा सह स्वीकृति, इस अधिकार पर चलती है, इस आधार पर चलती है, तो वहां मैं स्वतंत्र होकर जी पाता हूँ। इस पर अगर किसी का कोई इमीडिएट प्रश्न है इन पूरी मुद्दों पर तो ले सकते हैं। सुषमा दास जी हैं। नमस्ते सुषमा जी। नमस्ते सर। सर सहज स्वीकृति को थोड़ा सा और क्लियर कर दीजिए सर। मैं ये जो संवेदना मान्यता और सहज स्वीकृति का ही उदाहरण ले वहां पर उदाहरण लेकर बताऊं तो ठीक रहेगा जी सर। जी। अब जैसे मुझे ये दिखाई दिया कि भाई मेरे में इच्छा बनी कि भाई मुझे कार लेनी है। हो सकता है ये उदाहरण सुबह भी आया ही होगा, मैं फिर से उसी को रखने का प्रयास करता हूँ, शायद कुछ बात मैं आप तक पहुंचा पाऊँ। मुझे ये बात दिखाई दिया कि भाई मुझे कार लेनी है, इच्छा आई कार लेनी है। अब वो देखे कि इच्छा कहाँ से आई। मैं भाई मोटरसाइकिल से गया किसी के प्रोग्राम में, अब मैं परेशान हूँ कि भाई हेलमेट कहाँ रखूँ, हेलमेट भी लगा के गए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हेलमेट कोई ले जाए, गाड़ी में रखने की, बाइक में रखने की जगह भी नहीं है, उसमें मैं परेशान हो रहा हूँ। उतने ही में देखा कि मेरे जो एक जानने वाले हैं, मेरे कोई रिश्तेदार हैं, मेरे जो एक अधिकारी हैं, साहब हैं, वो गाड़ी से आए, और वहाँ पर कुछ लोग मेरी तरफ बढ़ रहे थे मुझसे मिलने, रिसीव करने, लेकिन जैसे ही देखा कि कार से आ गए हैं अधिकारी साहब तो उन तक पहुँच गए, उनको जाकर रिसीव करने लगे। अब मैं धीरे से अपना हेलमेट लिए अंदर किसी तरह घुस रहा हूँ परेशान। तो ये बात एक मान्यता बन गई कि कार रहता तो कार में सम्मान भी रहता। ये भी ध्यान में आता कि कार में हेलमेट रख देते, फिर यह भी ध्यान में आता कि कार रहती तो हेलमेट लगा के क्यों आते। ऐसा सब अपने में चलता रहता है। फिर तो ये जो मान्यता, जो ये इच्छा बनी कार लेना है, ये कहाँ से बनी, ये एक मान्यता से बन गई कि कार बराबर सम्मान, कार रहेगा तो सम्मान रहेगा। फिर एक ये भी कई बार ऐसा हुआ कि भाई मैं बाइक से जा रहा था और ये देखा कि मेरे बगल से एक लाल रंग की चमचमाती हुई कार निकल गई। लगा कि बस एक इंक्रीमेंट लग जाए, एक प्रमोशन हो जाए, कार लेना है तो यही वाली लेनी है। तो इससे क्या हुआ, अब जो ये मेरे अंदर इच्छा बनी, ये जो मेरे शरीर से संवेदना मुझे मिली उससे मेरी इच्छा बनी। अभी वो कार की मान्यता देखिए बदलती रहती है। कभी देखा कि भाई किसी ने सम्मान भी किया, अभी वही व्यक्ति जो कार से उतर के आया और उसने जो है कोई गिफ्ट नहीं लाया, और एक व्यक्ति जो है वो
बाइक से आया था उसने ठीक गिफ्ट दिया, फिर मान्यता बदल गई। तो ये जो मान्यता है यही बदलती रहती है। संवेदना को भी देखें तो वो बदलती रहती है। कोई लाल रंग की कार से किसी को लाल रंग ठीक लग रहा है, किसी को काला रंग ठीक लग रहा है, किसी को पीला रंग ठीक लग रहा है, तो ये बदलती रहती है। लेकिन अगर मुझे ये बात ध्यान में आ जाती है कि भाई मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं, हमारा फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग का होता रहता है कि कहीं जाना है, ये होता रहता है हमारे साथ, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ठंडी में, गर्मी में, बरसात में, अलग अलग मौसम में जा रहे हैं, हमको टैक्सी बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती है, जब ये टैक्सी उपलब्ध नहीं हो पा रही है, हमको फ्रीक्वेंटली जाना है, तो दिखता है कि भाई मेरे परिवार के लिए एक कार की जरूरत है, तो मैं कार ले लेता हूँ। तो अब जो ये जरूरत दिखाई दी, जो ये इच्छा मेरे में बनी, तो ये सहज स्वीकृति के अधिकार पर, मेरे खुद के अधिकार पर बने। उसको लेने के लिए हो सकता है कि मैं अपने दोस्त से सहयोग ले लूं कि भाई कौन सी गाड़ी अच्छी है, किसका एवरेज ठीक है, मेरे पास इतना बजट है, इतने बजट में पैसे है मेरे पास, तो कौन सी गाड़ी लेना ठीक है, ये हो सकता है कि मैं किसी दोस्त से सहयोग ले लूं। पर ये मेरा जो डिसीजन बना कार को लेने का, मेरा खुद का बना, किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं हो गया, इसको कहा सहज स्वीकृति। सुषमा जी, ये कुछ बात क्लियर हो पाई आप तक? जी जी सर, हो पाई मुझे। सर एक अनुरोध आपसे और था कि अभी तक हम सब मान्यताओं में जीते चले जा रहे हैं, आज आपकी बातों से बहुत सारे भ्रम दूर हुए हैं, तो क्या ये पीपीटी हमको हमारे ग्रुप में अवेलेबल होगी ताकि हम इस चीज को वापस रिकॉल कर पाए सब चीजों को। ये वर्कशॉप जैसे ही खत्म होगा, पूरा जितना मटेरियल है वो पूरा आपके ग्रुप में और सब जगह पर जो है वो उपलब्ध हम लोग करा देंगे। अभी क्या होता है कि कई बार उसमें कुछ चेंज भी, मतलब चेंज इन द सेंस कुछ आगे पीछे सेशन के हिसाब से कुछ रहता है, तो वो करते रहते हैं। दूसरा, इसका हिंदी भी फॉन्ट रहता है, तो कई बार वो हिंदी फॉन्ट नहीं चल पाता है, तो हम इस पूरे पीपीटी को पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करके, तो आप सीधे उसको मोबाइल में, कंप्यूटर में खोल के देख पाएंगे, तो हम ये उपलब्ध आप तक करा भी देंगे। पिछले सेशन में जो भी लोग जुड़े थे तो वहां तक पहुंचा भी दिया था, इस बार भी जो है वो कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंच जाए। जी सर, और धन्यवाद सर। एक बात और थी जो पिछली अभी इसके पहले जो बात समाप्त हुई थी हमारी, कि इच्छाओं का वर्गीकरण आपने जो हमारे गृह कार्य में दिया, तो सर उसमें यदि एक से अधिक संबंधित हैं तो उसको तुरंत देखना क्यों जरूरी है? जैसे यदि हमारा भोजन हमारी स्वाद के साथ और साथ साथ मतलब दोनों दोनों जगह यदि हमने टिक मार्क लगा रखा है स्वास्थ्य के साथ तो संवेदना पे भी, तो क्या वो उचित नहीं है? हो सकता है भाई स्वाद भी जरूरी हो, पर स्वाद ज्यादा जरूरी है या पोषण ज्यादा जरूरी है, तो ज्यादा देखिए कौन सा जरूरी है हमको वो देखना है। जो असाइनमेंट आपको मिला होगा, आप उसी की बात कर रहे हैं, तो जी ज्यादा क्या जरूरी है उसको देखना है। हो सकता है दोनों जरूरी हो, पर दोनों में भी पहली प्रायोरिटी किसको लेंगे? ठीक है सर, मतलब पहली प्रायोरिटी जो है वही हमारे लिए प्रमुख होना चाहिए। जी, थैंक यू सर। हेमंत निगम जी हैं। अच्छा ठीक है, अभी तो नहीं है, तो हम लोग कंटेंट को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं और फिर जो है इस पर भी बहुत सारी चर्चा करेंगे। तो अब जब आज दूसरे सत्र में मैक को देखा, और मैक को देखकर जो है अपने में बात ध्यान में आई कि कल्पनाशीलता भी चल रही है उसके आधार पर। जी लखन भैया नमस्ते, कुछ बात रखना चाह रहे हैं आप? नहीं, आवाज नहीं पहुंच पा रही है आपकी। ठीक, अगर कुछ होगा प्रश्न तो हम लोग आगे ले लेंगे। तो ये बात ध्यान में आई कि मैं भी हूं और शरीर भी है, और मेरे में कुछ क्रियाएं चल रही हैं, और मैं एक चैतन्य इकाई हूं। जी लखन भैया, आपका माइक अनम्यूट है, बताइए आप कुछ बात रखना चाह रहे हैं? ठीक है, मुझे लगता है कुछ नेटवर्क इशू के कारण ऐसा हो जा रहा होगा।
अब जब यहाँ पर देखें तो मैं और शरीर में सूचना का आदान प्रदान है। अब सूचना को अगर थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो मैं की तरफ से कुछ निर्देश आता है शरीर के लिए, और शरीर की तरफ से कोई संवेदना जाती है मैं तक, मुझ तक। जैसे हम एक पोजीशन पर बैठे हैं, पालती मार के बैठे, थोड़ी देर बाद जो है ये देखा कि भाई हमारे पैर में एक पैर के ऊपर दूसरा पैर है, तो जो पैर नीचे दबा है वो थोड़ा दब्द किया है, दबता जा रहा है। जब वो दबता जा रहा है तो वहां से एक संवेदना मुझ तक गई कि भाई इस पोजीशन में अब दर्द हो रहा है, अब बैठ नहीं सकते, पोजीशन चेंज कर। जब ये मुझ तक पोजीशन, ये सूचना गई, तो वहां से फिर निर्देश आया कि भाई अब इस पोजीशन को बदल लो। तो हमने पैर जो नीचे था उसको ऊपर कर लिया, जो ऊपर था उसको नीचे कर लिया, या वो ऐसा पैर ही बदल लिया, पालथी मार की जगह पैर सीधा कर लिया, कोई दूसरी पोजीशन पे बैठ गए, ऐसा चेंज कर। तो ये बात दिखाई देती, हमने जो है वो एक गर्म कुकर को छुआ, जैसे ही छुआ हम तक ये संवेदना गई कि ये गर्म है, वहां से ये निर्देश आया हाथ हटाओ भाई, तो वो हाथ वहां से हट गया। तो ये शरीर से सूचना मैं तक, मुझ तक जाती है, और वहां से हम तक जो है वो निर्देश हम शरीर तक पहुंचाते हैं। ये इस तरह की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। अब देखें तो जो मेरी आवश्यकता दिखाई देती है वो ये दिखाई देती है कि मैं सुखी होकर, समृद्ध होकर जीना चाहता हूं, और ऐसी निरंतरता में जीना चाहता हूं। मैं की जो आवश्यकता, मेरी जो आवश्यकता है और जो क्रिया है वो निरंतर है, जबकि शरीर की जो आवश्यकता है वो क्या है, तो वो फिजिकल फैसिलिटी है और वो सामयिक है, समय पर, समय पर जरूरी है, पर निरंतर जरूरी नहीं है। जैसे दोपहर में खाना खाया होगा तो अभी भोजन की बहुत आवश्यकता तो दिखाई नहीं देती, शाम को हो सकता है कुछ खाएं, फिर रात में खाएं, लेकिन दोपहर को खाना खाते टाइम भी सुखी हो रहे थे, शाम को भी सुखी होना चाहते हैं, रात में भी सुखी होता चाहते हैं, और इस क्षण भी जब आप ये पूरी बात को बैठकर सुन रहे हैं तो सुखी होना चाहते हैं। अपने में इसको भी देख लीजिए कि क्या इस क्षण भी सुखी होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते हैं। तो जब अगर इस बात को ध्यान में देख पाते हैं कि मैं की जो आवश्यकता और क्रिया निरंतर है, जबकि शरीर की जो है वो निरंतर तो नहीं है, सामयिक है, तो ये बात ध्यान में आता है कि मानव का जो केंद्र है वो उसके केंद्र में मैं है, और ये जो शरीर है ये मैं का एक साधन है। मानव के केंद्र में मैं है, या कहें कि मैं मानव के होने के केंद्र में है, और शरीर मैं का साधन है, ये बात ध्यान में आती है। लेकिन अगर हम मैं और शरीर को नहीं देख पाए हैं, मानव को शरीर मान लिया है, तो फिर वहां पर केवल और केवल शरीर ही ध्यान रहता है और शरीर ही केंद्र में रहता है। जबकि अगर ध्यान से देखें तो मैं जो है वो मानव के केंद्र में है, शरीर मैं का साधन है, ये बात ध्यान में आती है। अब जब मैं को देखने जाएं तो वहां से ये बात ध्यान में आती है कि मुझ में संयम का भाव है, सेल्फ रेगुलेशन का भाव है। अब ये संयम क्या है, सेल्फ रेगुलेशन क्या है, तो संयम को कहा शरीर के पोषण, संरक्षण और सदुपयोग की जिम्मेदारी का भाव। ये भाव कहाँ है, ये मुझ में है, लेकिन किसका पोषण, किसका संरक्षण, किसका सदुपयोग, तो शरीर का पोषण, शरीर का संरक्षण और शरीर का सदुपयोग, इसका जो भाव है उसको कह रहे हैं संयम। यहाँ पर एक रिफ्लेक्शन ले लेते हैं और साथ ही साथ एक प्रश्न भी ले लेते हैं।
सुविधा की आवश्यकता शरीर के पोषण संरक्षण और सदुपयोग के लिए ही होती है। जनता से सहमत असहमत, ना तो सहमत है ना ही असहमत, असहमत जनता से असहमत, आप लोग इसको टिक भी लगा सकते हैं। संजय पंकज जी हैं, नमस्ते संजय जी। और अगर हमारे किन्हीं साथी का कुछ बात रखना चाहते हैं तो वो भी अपनी बात रख सकते हैं। डॉक्टर संजय श्रीवास्तव जी हैं जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बताइए सर। आज के सेशन में अपनी जो परिचर्चा चल रही थी कम्युनिटी और सुख समृद्धि और निरंतरता, उसको लेके काफी अच्छा लग रहा था, क्योंकि जो व्यवहारिक जीवन की छोटी छोटी बातें थी, संवेदना का था, तो हम कब सुख की अनुभूति करते हैं, कब हम कठिनाइयों का अनुभव करते हैं, कब हमें मौसम के गर्म या सर्द होने का अनुभव होता है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनसे हमारी जो सुख और समृद्धि है उसकी समझ जो है आप लोगों के द्वारा दिए हुए वक्तव्यों से कहीं ज़्यादा अच्छी पैठ बनाती जा रही है। तो निश्चित तौर पर जो हमारा पैनल लिस्ट है वो काफ़ी ही अच्छी तरीके से इसको प्रेजेंट कर रहा है, और हम जैसा ये है कि मानवीय मूल्यों के लिए उसको हम काफ़ी इंजॉय भी कर रहे हैं और लर्न भी कर रहे हैं। थैंक यू सर। ठीक है। तो राजेंद्र जी भी हैं, नमस्ते राजेंद्र जी। जी बताइए, नमस्ते राजेंद्र जी। हेलो जी, आवाज आ रही सर मेरी? आ रही बिल्कुल आ रही। हाँ जी, नमस्कार सर, मैं खंडवा से राजेंद्र कुमार। बताइए। हेलो जी राजेंद्र जी, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। अगर आपका शरीर इस जो अभी एक पोल क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न है आपका या कुछ ऑब्जर्वेशन है? सर अभी बराबर आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, मैं नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछूंगा, कट कट के आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक ठीक। तो हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। तो ये बात ध्यान में आती है, तो लगभग लगभग मुझे लगता है कि 95% लोग ये कह रहे हैं कि जो भी सुविधा है तो शरीर के पोषण संरक्षण और सदुपयोग के लिए ही होती है। ठीक बात है। अब अगर इसको देखने जाएं तो अभी हम अपने घर में भी थोड़ा सा देखें कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हमारे शरीर के पोषण संरक्षण और सदुपयोग के लिए हैं। कौन सी चीजें, कौन सी वस्तु ऐसी है जो इनके लिए नहीं है अन्यथा किसी लिए है, तो उसका क्या इस्तेमाल है उसको भी देखें फिर। जैसे अभी ये मैं लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहा हूँ, भैया लैपटॉप का इस्तेमाल क्या है भाई? मुझे अभी ये 100-200 लोगों के साथ अगर बातचीत करनी हो तो एक डिफिकल्ट काम है, कैसे होगी? तो दिखता है कि भाई मेरी आवाज़ चिल्ला के ना जाए, आराम से जाए। मैं एक ईयरफोन का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि मैं धीरे से ही बोलूँ और आवाज़ आप तक पहुँच जाए। तो ये शरीर का सदुपयोग है, मुझे बहुत चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे गले में बहुत फोर्स नहीं लगेगा, आराम से बात आप तक पहुँच जाएगा। तो शरीर के सदुपयोग के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब ये भी देखें कि हमारे घर में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो शरीर के पोषण संरक्षण और सदुपयोग के लिए हैं, कौन सी ऐसी चीजें जो अन्यथा किसी के लिए हैं। अगर मुझ में संयम का भाव होता है तो वहां से जो शरीर में स्वास्थ्य का भाव सुनिश्चित हो पाता है, शरीर मैं के अनुसार काम करे ये सुनिश्चित हो पाता है। अभी देखिए, शरीर के सभी अंग प्रत्यंग जो हैं वो व्यवस्था में बने ही हुए हैं, हमको उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। हमने सुबह खाना खाया वो पच रहा है, दोपहर में खाना खाया वो भी पच रहा है, रात में खाना खाया वो भी पच रहा है। रात में खाना खाए सो गए, सुबह गए मोशन हुआ वो सब बाहर हो गया,
वो अपने आप पच जा रहा है, हमको बहुत उसको कुछ करना नहीं पड़ता है। खून है, खून जो गंदा होता है वो आता है, वो ब्लड उसको साफ करता है, पंप करता है, दोबारा चला जाता है। अभी देखें जो शरीर में हड्डियां हैं 206, वो अपने आप सिस्टम में सब बनी हुई हैं, हमको उसमें कुछ चेंज नहीं करना पड़ता है। अभी ऐसा होता है ना कि अक्सर हम किसी के घर गए और घर जाने के बाद जो है वापस आके पूछ रहे हैं, देखो यार भाई मेरा वो पर्स नहीं मिल रहा, वहीं छूट तो नहीं गया कहीं। अगर ये 206 हड्डियां हमको मैच करानी होती तो क्या होता, हो सकता अगले के घर गए और वापस आके पूछ रहे, देख भाई कहीं मेरी दो हड्डियां नहीं मिल रही, वहां तो नहीं रह गई। तो अभी ये दिखता है कि शरीर में जो भी अंग प्रत्यंग है वो व्यवस्था में बने हुए हैं, बहुत गड़बड़ी उसमें दिखाई नहीं देती। यहाँ पे भी एक रिफ्लेक्शन ले सकते हैं और एक चर्चा भी कर सकते हैं, कौशल किशोर जी हैं। तो आवश्यक सुविधा की मात्रा सीमित है, क्या लगता है, दृढ़ता से सहमत हैं, सहमत हैं, ना तो सहमत हैं, ना असहमत हैं, असहमत हैं, दृढ़ता से असहमत। कौशल किशोर जी हैं, क्या लगता है आपको, आवश्यक सुविधा की मात्रा सीमित है या असीमित है? अंबिका साहू जी भी हैं, नमस्ते अंबिका जी, बताइए। हेलो अंबिका, मैं पहले कौशल कौशल जी को सुन ले, फिर आपको सुन लेते हैं। तो मेरी जो एक्चुअली फिजिकल जो सुविधाएं हैं उनकी वो बिल्कुल सीमित हैं, बहुत कम में ही ये। दूसरा मेरा एक जो मन में प्रश्न आया था कि मैं इसका मतलब हम मैं को माइंड मान के चले, क्योंकि उसका ही फैलाव पूरे शरीर की हर एक कोशिका तक है और हर एक से वो सिग्नल रिसीव करता है और सिग्नल देता है। तो ये मेरे विचार में यही आया कि अगर मैं को माइंड लेके चले तो क्या ये उचित होगा? देखिए अभी जो हम एक शब्द दे रहे हैं ना, अभी मैं पूछूं कि माइंड की क्या एक्टिविटी है, माइंड को हिंदी में मन कह रहे हैं, इंग्लिश में माइंड कह रहे हैं, पर इसकी क्या एक्टिविटी है, इसकी क्या क्रियाएं हैं? हाँ ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं, हम इसमें नहीं उलझते हैं। बहरहाल ये है कि जो एक चैतन्य अपने यहाँ जो कमांड देने वाला है वो मैं हूँ, और उस शरीर हमारा साधन है जिसके द्वारा हम सारी क्रियाएं और प्रक्रियाएं करते हैं। यहाँ तक जो अभी मैं समझ पाया हूँ। ठीक बात है, ये तो ठीक है। अभी क्या है ना, हम बहुत सारा अगर कुछ नाम देने जाते हैं और उसके बारे में हमको बहुत क्लैरिटी नहीं है तो हम फंसते जाते हैं, फिर बिल्कुल सही है, नाम में ही फंसते जाते हैं। तो नाम हम एक्स वाई जेड जो भी कहना है आप कह लें, पर हम उसकी जो एक्टिविटीज हैं जिससे उसको समझा जा सके उसको देखने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं। मेनली वही है समझना, मेन जो मैं इस लेसन से मेन समझा हूँ कि समझने के ऊपर ही सारा दारोमदार है। जब तक हम बिना समझे ही अगर हम आगे बढ़ जाते हैं तो फिर वो हम आगे का स्टेप एक्चुअली पूरी तरह नहीं निभा पाते हैं। तो पहले पूरी तरह समझ लें फिर उस पे तब आगे बढ़ें, पहले कंसीव करें। जी मैं समझ पाया हूँ इस लेसन से, थैंक यू जी। ठीक है, और बिना समझे अगर बहुत सारी जीने जाते हैं तो गड़बड़ी बहुत सारी तो कर रहे हैं। तो ये और कोई भी उम्र का व्यक्ति हो, कोई भी जगह का रहने वाला व्यक्ति हो, कोई महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, आप पूछ लीजिए कि भाई समझ के जीना ठीक है या ना समझे में जीना ठीक है। तो ये दिखता है हर आदमी सही समझ के सही जिए। अच्छा ये भी पूछ लें कि सही समझना ठीक है या गलत समझना ठीक है, गलत समझने को ही ना समझी कह रहे हैं। ये दिखता है कि भाई हर व्यक्ति सही समझ के सही जीना चाहता है। बढ़िया बढ़िया ठीक है, थैंक यू जी। अंबिका जी बताइए। जी सर नमस्ते, मैं सीरी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। जी नमस्ते सर, मेरा मानना यह ये है कि मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो सीमित नहीं है, मतलब किसी भी बारे में है, मतलब खाना पीना, कपड़ा, रोटी, मकान, जैसे किसी चीज के बारे में सीमित नहीं है।
अगर हमारे पास आज दो कपड़े हैं तो कल हमको चाहे होगी कि हमारे पास चार कपड़े और हो जाए। अगर आज हम रोटी सब्जी खा रहे हैं तो कल हमारे पास चाय होगी कि हम बिरयानी खाएं। और हमारे पास अगर स्कूटी बाइक है तो कल हम चाहेंगे कि हमारे पास कार हो जाए। इसलिए आवश्यकताएं तो सीमित नहीं है मेरे हिसाब से, बाकी आप लोग। जी अभी देखिए, अभी आप रोटी खाएं या पिज्जा बर्गर खाएं या जो भी खाएं, तो आप ये खाना चाहते हैं या शरीर को पोषण पहुंचाना चाहते हैं ये तय करने। अगर नासमझी में हम करने जाते हैं तो फिर तो हमको ये लगता है कि भाई रोटी से अच्छा पिज्जा है, पिज्जा से अच्छा बर्गर है, बर्गर से अच्छा एक्स है, एक्स से अच्छा वाई है, बहुत सारा ऐसा कुछ करते हैं। लेकिन अगर समझ के जाते हैं तो ये बात ध्यान में आती है कि भाई शरीर को पोषण पहुंचाना जरूरी है। अगर कपड़े को देखने जाएं और अगर कपड़े से ये बात ध्यान है, वो ठीक नहीं है। जी देखिए, अभी देखिए आप उदाहरण के लिए दिन में तीन रोटी खाती हैं या एक टाइम में तीन खा रही हैं, सपोज तो दिन भर में तीन टाइम खा रही हैं तो नौ रोटी खा रही हैं। अगर महीने भर का देखें, महीने में 30 दिन हो रहे हैं तो 270 रोटी खा रही हैं। अगर साल भर का देखें तो 270 गुणा 12 कर दें तो वो भी निश्चित है। अगर आपका पूरा जीवन भी देख लें तो निश्चित है कि नहीं कि कितनी रोटी हम खा रहे हैं। अगर एक दिन में सपोज 50 ग्राम 100 ग्राम दाल खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, तो 30 दिन में कितना खाया, 100 ग्राम 100 दिन में कितना खाया, एक साल में कितना खाया, जीवन काल में कितना खाया, वो निश्चित है या नहीं निश्चित है। अभी भी हमारे घरों में और आप भी सब महीने भर का राशन मंगाती हैं घर में जी। तो वो निश्चित राशन मंगाते हैं, वो लिखते हैं कि दाल 2 किलो, चावल 5 किलो, गेहूं 10 किलो, मसाला 100 ग्राम, वो ऐसा लिखते हैं कुछ निश्चित, या दुकानदार से बोलते हैं अनिश्चित मात्रा में दे दो। नो नो सर। तो ये दिखता है कि निश्चित मात्रा में है। तो ये हाँ, ये हो सकता है कि भाई कोई चीज ज्यादा लग रही है हमारे घर में, गेहूं चावल ये ज्यादा लग रहा है, मसाला कम लग रहा है, पर मात्रा निश्चित है। अनिश्चित मात्रा में लग रहा हो ऐसा बहुत नहीं है। बिना समझे ये सब करने जाते हैं तो ये लगता है कि ये सब तो अनिश्चित है। अभी अगर शरीर के प्रति मैं जिम्मेदारी को पूरा करने की सुविधा पूरा करने के लिए सुविधा की आवश्यकता होती है और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के अर्थ में, शरीर के पोषण संरक्षण और सदुपयोग के अर्थ में, इस प्रकार हम देख पाते हैं कि जो सुविधा की आवश्यकता है उसको निश्चित पहचान हो पाती है और उससे फिर पूरा कर पाते हैं। लेकिन अगर हमने केवल, क्योंकि क्या है, मैं की जो आवश्यकताएं है वो निरंतर है और जो निरंतर बना हुआ है तो हमको लगता है तो वो फिर किसी ऐसी चीज से पूरा होगा जो असीमित है। तो हम मैं की आवश्यकता को सुविधा से पूरा करने जाते हैं। अब कितना कपड़ा ले लें कि हमारा सम्मान पूरा हो जाएगा, कितनी कार ले लें कि हमारा सम्मान पूरा हो जाएगा, तो तब तो हमको ये लगता है कि वो अनिश्चित है। ये बात कुछ क्लियर हो पाई अंबिका जी? जी, मैं यही बात मतलब कह रही थी कि जो मतलब कोई भी चीज हमारे पास है फिर हम उससे ज्यादा चाहेंगे कि ये हमारे पास इससे ज्यादा हो। तो हम क्यों चाह रहे हैं इससे ज्यादा हो, इसको अपने में जांच परख करने की जरूरत है। भाई जैसे मुझे एक घर चाहिए, अब घर को देखने जाएं तो भाई हम घर में एक ही घर में एक बार में रह पा रहे हैं या 10-12 घर में रह पा रहे हैं? नहीं नहीं, घर तो एक ही घर में एक ही रहेंगे, 10-12 घर में नहीं रह पाएंगे। एक बार में तो एक ही घर में, ठीक बात है। अब हम एक घर में भी सो पाएंगे या 2-3 बिस्तर पे भी सो सकते हैं रात में, कि 3 घंटे एक में, 3 घंटे एक में, 3 घंटे एक में? नो नो, ये दिखता है ऐसा भी नहीं कर पाते हैं। एक बार में तो एक ही बिस्तर में सो पाते हैं। तो अच्छा हाँ, अगर 3-4 बिस्तर भी लग रहा है तो वो भी निश्चित है। ऐसा तो नहीं है कि अनिश्चित बिस्तरों पे सो रहे हैं।
अभी तक हमने बचपन से लेकर अभी तक जितने भी कपड़े खरीदे अपने पहनने के लिए और आगे जितने भी कपड़े खरीदेंगे, तो उनकी कुछ मात्रा है, वो सीमित है या वो मतलब वो निश्चित है या अनिश्चित है? नहीं, कपड़े तो अनिश्चित है। हाँ, क्योंकि कपड़े तो कपड़े का जब भी मन किया कि आज हमको ये कपड़ा अच्छा लग रहा है, मार्केट में दिख रहा है, चलो जरूरत नहीं है, फिर पैसे है अगर तो खरीद लेंगे। ठीक बात है, ये तो लगता है कपड़ा जरूरी है। अगर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं अपने में, किसी मान्यता के आधार पर, संवेदना के आधार पर जीना हो रहा है मेरा, तो हम भी ले लेते हैं। लेकिन अगर बात ये ध्यान में आती है कि भाई मेरी आवश्यकता नहीं है अभी, तो नहीं लेते हैं। ठीक है, ये अंबिका जी बात। आपकी आवाज जी ठीक, तो थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा लेते हैं कंटेंट को। बहुत सारे हैंड रेस तो हैं और बहुत अहम मुद्दा भी है ये सब चर्चा करने के लिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी अगर हम देख पाते हैं तो ये दिखाई देता है कि जैसे भोजन है, कपड़ा है इत्यादि, ये सब जो है ये मेरे शरीर के पोषण, संरक्षण और सदुपयोग के रूप में है, और आवश्यक सुविधा को आवश्यक मात्रा में पहचाना जा सकता है। भोजन की मात्रा शरीर के पोषण के लिए सीमित मात्रा में है या असीमित मात्रा में, तय करें इसको अपने लिए। कपड़ा, मकान, ये सब शरीर के संरक्षण के लिए है भाई, बाहर की धूप से, बरसात से, आंधी तूफान से बचाना है तो उसके लिए मकान चाहिए। बाहर के सर्दी गर्मी मौसम, अलग अलग मौसम में बाहर निकल रहे हैं तो उससे शरीर को प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए कपड़ा ले रहे हैं। ये तो ये सीमित मात्रा में जरूरत है या असीमित में? अन्य वस्तु भी जो हम ले रहे हैं शरीर के सदुपयोग के लिए, सीमित मात्रा में जरूरी है या असीमित मात्रा में, इसको भी अपने में देख लें। अगर ये बात ध्यान में आती है कि अगर मुझ में संयम का भाव हो पाता है, मैं में संयम का भाव हो पाता है, तो ये बात भी ध्यान में आती है कि जो भोजन है वो सीमित मात्रा में ही जरूरी है, कपड़ा मकान ये भी सीमित मात्रा में जरूरी है, और जो साधन वो उसका भी सीमित मात्रा में आवश्यकता दिखाई देती है। शरीर के सदुपयोग के लिए, शरीर के स्वास्थ्य के लिए सुविधा की आवश्यकता है। यहाँ से दो महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल के दिखाई देते हैं, समृद्धि के लिए कार्यक्रम बनाएं और स्वास्थ्य के लिए कार्यक्रम बनाएं। तो उससे समृद्धि अगर क्लियर हो पाएगी तो हमको ये पहचान में आ पाएगा कि भाई कितना कपड़े की जरूरत है, कितना मकान की जरूरत है, कितना भोजन की जरूरत है। स्वास्थ्य के लिए कार्यक्रम बन पाता है तो ये दिखाई दे पाता है कि भाई हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ बना रहे, इसके लिए कार्यक्रम बन पाता है। अभी अगर देखने जाएं कि हम अगर बिना समझे गए केंद्र में, तो अभी क्या किया है, हमने सुविधा को केंद्र में ला दिया है, और सुविधा को भी केंद्र में लाना मुझे लगता है ठीक रहता, पर यहाँ सुविधा को भी छोड़कर हम पैसे को केंद्र में ले आए हैं। ये पैसा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अभी अगर बात ध्यान में आती है तो भाई आज से कोई 10 साल पहले भी कोई व्यक्ति हो सकता, कोई वयस्क व्यक्ति है, कोई 18 साल का था, अभी 28 साल का हो रहा है, तो लगता है कि भाई उस टाइम पे भी वो एक टाइम में 4 रोटी खा रहा था, अभी भी 4 रोटी खा रहा है। तो सुविधा तो 4 ही रोटी की आवश्यकता दिखाई देती है, पर अगर पैसे से देखने जाएंगे तो उस टाइम हो सकता कि भाई वो जो है वो 4 रोटी 20 रुपए की आ रही हो तो आज वो 40 रुपए की आ गई है। तो केंद्र में पैसा आ गया। अभी अगर सुविधा को भी देखने जाएं और हमारा शिफ्ट ये हो पाता है, हमारा ध्यान इधर जा पाता है कि सुविधा शरीर के लिए आवश्यक है और शरीर को जब देखने जाते हैं तो शरीर में मतलब मानव में शरीर भी है,
और जो शरीर है वो मैं का साधन है। तो वहां से ये बात ध्यान में आती है कि केंद्र में तो मैं है, तो अगर हमारा शिफ्ट पैसे से सुविधा, सुविधा से मानव और मानव से मैं पे हो पाता है तो अपने ऊपर ध्यान जा पाता है। और ये बात भी ध्यान आई, अभी मैं में भी बहुत सारी गड़बड़ी तो चली रही होती है, क्योंकि जो कल्पनाशीलता चल रही है उसमें भी मान्यता चल रही है, संवेदना चल रही है। तो अगर वहां से बात ध्यान में आ पाती है तो वो मैं का भी जो शिफ्ट है वो सही समझ और सही भाव के आधार पर हो पाता है, तो ये बात अपने में ध्यान में आ पाती है। अगर समृद्धि को देखने जाएं तो समृद्धि को लिखा आवश्यक सुविधा से अधिक की उपलब्धि और उत्पादन का भाव। अब यहां पर क्या करना ठीक है, पहले आवश्यक सुविधा को करना ठीक है या उसकी उपलब्धि, आवश्यक सुविधा की पहचान करना ठीक है या उससे अधिक की उपलब्धि करना ठीक है, क्या करना ठीक है आप चैट बॉक्स में लिख दें। अगर आवश्यक सुविधा की पहचान करना ठीक है तो पहले पी, और उपलब्धि करना ठीक है तो पी यू लिख दें। अगर उपलब्धि करना ठीक है तो फिर यू पी लिख दें चैट बॉक्स। ठीक, तो बढ़िया, तो यह दिख रहा है कि भाई पहचान करना ठीक है, पहले पहचान हो जाए तब उसकी उपलब्धि करने जाए तो ऐसा ठीक है, तो उसी हिसाब से 1 और 2 यहाँ लिखते। अब जब पहचान करने गए तो आवश्यक सुविधा का जो निर्धारण है वो सही समझ से हो पाता है कि भाई मेरे लिए क्या आवश्यक है। अगर सुविधा को देखने गए तो भाई इसको कैलकुलेट कर पाते हैं कि भाई मेरे परिवार में 5 सदस्य है, महीने भर में कितना आटा लग रहा है, साल भर में कितना आटा लग रहा है, उस आटा कहाँ से आएगा, तो वो आटा जो है वो गेहूं से आएगा। हम क्या गेहूं का उत्पादन कर सकते हैं, तो भाई अगर गेहूं का उत्पादन कर सकते हैं तो हम उसका उत्पादन करते हैं। हमारे घर में जो है वो किचन गार्डन है तो पता चला हम सब्जी का उत्पादन वहां से कर पाते हैं। और हमको लगता है कि ये सारी सुविधा पैसे से आ रही है। अभी आप देखने जाएं हवा भी सुविधा है, तो हवा के लिए बहुत पैसा तो नहीं देना पड़ रहा है हमको। लेकिन अगर नासमझी में जी रहे हैं तो हमने वायु को इतना प्रदूषित कर दिया है कि फिर उसके लिए हमको एयर प्यूरिफायर घर में लगाना पड़ रहा है, और हर महीने, हर साल, हर महीने वो 15-20 हजार का वो आ गया, हर साल उसके मेंटेनेंस के लिए कुछ पैसा करना देना पड़ रहा है। पानी पहले जो है हमने कुएं से, हैंडपंप से निकाला, हैंडपंप लगाने में एक बार का पैसा हो गया और वहां से हमारे पास पानी जो है वो मिल जा रहा है। लेकिन अगर नासमझी में कर रहे हैं तो हमको पानी इतना दूषित कर दिया हमने कि वो जो है वो हमको उसके लिए वाटर प्यूरिफायर लगाना पड़ रहा है। अब हर साल वाटर प्यूरिफायर का कुछ कीमत आ गई, हर साल उसको ठीक कराने में, उसका मेंटेनेंस में हम 4-5 हजार रुपए दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपनी समझ पर काम नहीं हो पा रहा है। अगर अपनी समझ पर काम हो पाता तो हम अपनी आवश्यक सुविधा का निर्धारण कर पाते और उससे सही समझ के आधार पर उसको कर पाते। जब एक बार इस काम को कर पाते हैं तो उससे अधिक की उपलब्धि और उत्पादन का भाव दिखाई देता है, ये बात अपने में सुनिश्चित हो पाती है। अभी हमारे पास कितने कपड़े हैं हमको ये नहीं पता, हम गए और नया कपड़ा जो है हम ले रहे हैं। क्यों? ये फैशन में है, ये नया फैशन आया है। अभी देखे ना, फैशन भी जो है वो बदलता रहता है। पहले जो है वो कहा कि भाई जो पतली मोड़ी का जीन्स है, फिर बोले कि भाई चौड़ी मोड़ी का है, फिर बोले कि भाई वो ऐसा उसमें कलर 2-3 कलर का है, नीला, हरा, पीला कलर है, फिर बोले कि वो थोड़ा सा फटा है, फिर बोले थोड़ा सा स्क्रैच लगा है, फिर बोले वो पूरा ही फटा हुआ है। तो ये बदलता रह रहा है। अब हर बार हम सोचते हैं कि भाई जो नया फैशन आएगा वो लेना है। अभी आप देखें कपड़े का उपयोग क्या है, शरीर को संरक्षण पहुंचाना या उसको पहन के हमको सम्मान मिलेगा, इसको तय करें। अभी एक समृद्ध व्यक्ति जो है वो वस्तु का
या जो भी फिजिकल फैसिलिटी है उसका सदुपयोग करने का और दूसरे का पोषण करने का सोचता है, और जो समृद्ध नहीं है उसको यहाँ दरिद्र लिखा गया। तो दरिद्र व्यक्ति है वो चीजों का संग्रह करने का, कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें संग्रह कर लें, और दूसरों को शोषण करने का सोचता है। इस पर अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो ले सकते हैं, तब तक एक रिफ्लेक्शन भी यहाँ पर ले सकते हैं। जी, तो मेरे शरीर के पोषण संरक्षण और सही उपयोग के लिए शारीरिक सुविधा की आवश्यक है। आज मेरे पास उपलब्ध सुविधा पर्याप्त नहीं है, मुझे और अधिक की आवश्यकता है। पर्याप्त है लेकिन मैं अभी भी भविष्य के लिए अधिक चाहता हूँ। आज के साथ साथ भविष्य के लिए भी पर्याप्त है, पर्याप्त से कहीं अधिक है। इसमें आप लोगों का रिफ्लेक्शन हम लोग चाहते हैं। और दूसरा प्रश्न है, इस जांच परख से मैंने निष्कर्ष निकाला है, मैं महसूस करता हूं या करती हूं कि मैं समृद्ध हूं या दरिद्र। ठीक, शिल्पा राय जी हैं। जी नमस्ते शिल्पा जी। सभी को नमस्ते। और जैसा कि प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि क्या आपको लगता है कि, तो सर मैं ये मानना चाहूंगी कि अभी जो हमको सुख सुविधाएं मिल रही है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी है, दरिद्र तो नहीं बोलेंगे लेकिन थोड़ी बहुत कमी है। और दूसरा जो है कि आप सुखी हैं कि दरिद्र हैं, तो समृद्ध हैं कि, तो मैं यहाँ पे समृद्ध ही बोलूंगी क्योंकि इतनी भी कमी नहीं है कि मैं अपने आप को दरिद्र समझूं। थैंक यू सर। जी, अभी अगर हमको कमी दिख रही है इसका मतलब है हमने अपनी पूरी सुविधाओं को उसका आकलन कर लिया है। जैसे कि भाई मुझे ये दिख गया, उदाहरण के लिए कि मेरे साल भर में मुझे 10 जोड़ी कपड़े लग रहे हैं, उदाहरण के लिए साल भर में मुझे 10 जोड़ी कपड़े लग रहे हैं और मेरे पास 8 जोड़ी हैं, तो मुझे ये लगता है कि भाई 2 जोड़ी कम है, मैं इसकी पूर्ति कर लेता हूँ। और 2 जोड़ी करने से भी मैं पूर्ति तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आवश्यकता से अधिक है तभी मैं समृद्ध हो पाऊंगा। तो अगर मेरे पास 11-12 जोड़ी हो जाएगा तो मैं समृद्ध हो जाऊंगा। मतलब मैंने ये तय कर लिया, ये देख पाया कि भाई मेरे साल भर के लिए 10 जोड़ी कपड़े जरूरत है, मेरे पास 8 है, तो ये मुझे दिखता है कि हाँ थोड़ा कम है। लेकिन अगर मैं ये नहीं देख पाता हूँ और ये देखता हूँ कि भाई सामने वाले के बराबर मुझे कार लेनी है, अभी थोड़ी सी कम है, फिर ये समृद्ध नहीं है, ये फिर हमारा समृद्धि के लिए प्रयास नहीं हो रहा है, ये दरिद्रता के लिए ही प्रयास हो रहा है। जी जी, इस बात को अपने में ध्यान देने की हम सब लोगों को ही जरूरत। थैंक यू सर। जी, हेमंत निगम जी हैं। नमस्ते हेमंत जी। नमस्कार सर, आवाज आ रही है सर? आ रही, आ रही, बढ़िया से आ रही। हाँ सर, देखिए सर, जो भी चीज आपने बता रहे हैं बड़ी अच्छी है सर। हमको अपनी जो भी कमाई करनी है या हमें जिस पे भी काम करना है, जैसे मैंने व्यापार शुरू किया था, मैंने 0 से शुरू किया था, तब मेरे पास कुछ नहीं था। और मैंने जब शुरुआत की, आज 15-20 साल हो गए, तो मैंने ये एनालिसिस किया कि कितनी आवश्यकता है और कितना बनाना है क्या, क्योंकि जो भी हमारी जो लिमिट है वो असीमित है, तो हम कर ही नहीं सकते इसकी पूर्ति, तो हमेशा ही रहेगी कि हाँ कुछ और आ जाए थोड़ा। जब हमारे पास 1,00,000 नहीं था तो 1,00,000 आया, जब 1,00,000 आया तो हमने सोचा चलो 5,00,000 आ जाए, 5,00,000 आया तो हमने सोचा 50,00,000 आ जाए तो और अच्छा बिजनेस कर लूंगा। लेकिन जब 15-20 साल बिजनेस किया तब हमें ये लगा कि हमारी आवश्यकता क्या है, कितना जरूरत है हमारे को, कितनी जरूरत नहीं है हमको, कितना संग्रह करना चाहिए कितना नहीं करना चाहिए। हाँ ये जरूरी इनिशियली सबको जरूरत होती है कि हमको उतना समृद्ध होना चाहिए, किसी से मांगना पड़े, किसी से उधार ना ले पड़े, तो इनिशियली सभी लोग मेहनत करते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन एक स्टेज पे आके ये हमने एनालिसिस किया, जब स्टेबिलिटी आई तब हमने एक आनंद के सुख को अनुभव भी किया कि हमें अपनी जो आवश्यकता है वो लिमिट करनी पड़ेगी, एक सीमित दायरे में करनी पड़ेगी। जैसे भोजन है, कुछ भी चीज लिमिट के बाहर खराब ही होता है, चाहे हम भोजन करें चाहे हम पैसा कमाएं, उसको लिमिट के अंदर करेंगे तो वो चीज अच्छी होती है, लिमिट के बाहर वो चीज खराब होती है।
जैसे हम एक्सेस में फूड ले लेते हैं तो हमको उल्टी हो जाती है। तो हर चीज हमको सीमित दायरे में ही करनी है, चाहे वो पैसा कमाना हो, चाहे भोजन की आवश्यकता हो, चाहे हमें सुख भौतिक सुख सुविधाओं की आवश्यकता हो। हम दूसरों को देख कर कोई चीज कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कंपटीशन आ जाता है, एक ईर्ष्या का भाव आ जाता है, वो भाव नहीं आना चाहिए हमारे अंदर। हमको अपने दायरे में रह के काम करना है, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार काम करना है, अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए पहले, फिर समाज के लिए। जहां तक लोगों की बात है, हम उतने ही कपड़े लें जितने कि हम उनका उपयोग कर सकते हैं। अगर हमारे पास 10 कपड़े हैं, हमें 2 और चाहिए, तो पहले जो हम उनको यूज नहीं कर रहे हैं हम उसको पहले दान कर दें, क्योंकि वो हमारे लिए अनुपयोगी है। अगर हमें 2 की और इच्छा होती है कि हम उनका उपयोग कर सकते हैं, तो डेफिनेटली गो फॉर न्यू 1-2 ऑल्सो। लेकिन हमारे पास ऑलरेडी 10 हैं और हम उनका उपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं, तो 2 नए सिर्फ ये देख के खरीदने की नहीं, मेरे पास पैसा है, मैं 2 और खरीद सकता हूँ, तो डजंट मेक एनी सेंस कि मैं 2 के लिए नए के लिए जाऊं। मैं उनका उपयोग कर सकता हूँ, तो 2 क्या मैं 10 खरीदूं, 10 क्या 20 खरीदूं। लेकिन जो हम उपयोग ही नहीं कर रहे हैं उनको भी रख के हम कपड़े और नए खरीद रहे हैं, तो वो मैं उसकी तरफ नहीं जाता। मेरा मानना यह है कि हम जितना उसको उपयोग कर सके उतने ही कपड़े हम खरीदें, भले ही हमारे पास पैसा हो। तो अगर हम अपना दायरा सीमित कर लेंगे, आवश्यकता हम सीमित कर लेंगे, तो हम ज्यादा खुश रह सकते हैं, हम ज्यादा हैप्पी रह सकते हैं लाइफ में। हर चीज लिमिट के अंदर ही अच्छी रहती, लिमिट के बाद हर चीज खराब रहती, चाहे वो फूड हो, चाहे पैसा हो, चाहे वो भौतिक सुख सुविधाएं हो, हमको उनको लिमिट के दायरे में ही करनी है। धन्यवाद सर। जी जी हेमंत जी, मैं आपकी पूरी बात में एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि जो हम बात कर रहे हैं कि लिमिट के दायरे में करें, मुझे लगता है कि लिमिट के दायरे में करने से बेहतर है कि हम उसको आवश्यकता को समझ के करें। कई बार लिमिट के अक्सर ये बात एक बहुत प्रचलित मान्यता है, बहुत अगर देखें तो ये कहा जाता है कि जितनी चादर हो उतना पैर पसारो। बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि मान्यता बहुत ठीक नहीं है, क्योंकि भाई अगर मेरा शरीर 5 फुट का है और मेरे पास 4 फुट की चादर है तो मैं उसमें परेशान हो जाऊंगा, है ना। और मैं सोच रहा हूँ कि भाई अपने आप को सीमित कर लूं, भाई मेरा शरीर तो 5 फुट का है, 4 फुट की चादर में कहाँ से एडजस्ट हो पाऊं। तो कभी हाथ खुल जाएगा, कभी पैर खुल जाएगा, कभी सर खुल जाएगा, तो मैं बहुत उसमें परेशान रहूंगा। भाई हम तो ये कह रहे हैं कि अगर 5 फुट का शरीर है तो 5.25 फुट की चादर ले लें। हाँ, मतलब मेरे से सीमित करने की बात कर नहीं कर रहे कि मेरे शरीर से थोड़ी सी बड़ी ले लें, पर यहाँ पर ये बात भी नहीं कह रहे हैं कि हम फिर तंबू ओढ़कर सो जाएं। जी, अभी हमारा प्रयास तो ये है कि हम तंबू के प्रयास में लगे हुए हैं। जी, तो सीमित करने के बजाय अगर आवश्यकता को पहचान ले। बिल्कुल सर, बिल्कुल, तो हमारी आवश्यक बहुत बहुत सही बात बोली आपने। आवश्यकता के अनुसार ही काम करना चाहिए हमें, और उसके एनालिसिस करना चाहिए हमारे को पहले कि आपको कितनी आवश्यकता है उसकी। वो आवश्यकता भी खुद के अधिकार पे पहचाने या दूसरे को देख के पहचाने? नहीं, अपनी खुद की आवश्यकता, दूसरों को देख के करेंगे तो सर फिर हम हमेशा परेशान ही रहेंगे और डिप्रेशन में रहेंगे और टेंशन में रहेंगे कि यार मेरे साथ वाला इतना आगे बढ़ गया, मैं वहीं का वहीं हूं, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। हमको अपनी आवश्यकता देखनी है, ना कि दूसरे को देख के काम करना है। हम ज्यादा खुश रह पाएंगे, ज्यादा हैप्पी रह पाएंगे अगर हम अपनी आवश्यकता अनुसार काम करेंगे। बढ़िया, तो दिखता है कि अपने अधिकार पे काम जो है वो। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आज मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ विभाग से जुड़ के, क्योंकि मैंने आवश्यकताएं अपनी कम कर दी है, और मेरे साथ के जो लोग हैं आज भी पैसे के पीछे भाग रहे हैं, परेशान है, दुखी है, क्योंकि उसकी कोई लिमिट नहीं है कमाने की। आज मैंने 1 करोड़ कमा ली, लगेगा कल 10 करोड़ कमा लू, 100 करोड़ कमा लू, लेकिन आवश्यकता कितनी है आपको, वो भी आपको देखना है। काम भी आ रहा है आपके पैसे जो आपने कमाया हुआ है कि नहीं आ रहा है, या पड़ा हुआ है बेकार है, वो यूज में ही नहीं आ रहा है। बच्चे अच्छे हैं वो तो अपने आप कमा लेंगे, हो सकता है पढ़ लिख के अच्छे निकल जाए, कमा क्यों उनको कमा के देना। जी बढ़िया है मैम जी, बहुत बढ़िया, ठीक है, काफी अच्छे तो से आप सुन पा रहे हैं। हाँ, ध्यान जा रहा आपका, तो अच्छी बात है। हाँ, तो हमारी आवश्यकता, हमारी लिमिट जो है वो हमारे अनुसार उस पर एनालिसिस करके हमें आगे बढ़ना चाहिए, कितना जरूरत है, कितना। यहाँ फिर ध्यान दे रहा हूँ, हम आवश्यकता और लिमिट को एक साथ ना जोड़ें। हाँ, लिमिट वो क्या है, बोलचाल में तो बहुत सारा है हमको। हाँ, चलन में है तो हम बोल देते हैं। हम आवश्यकता को पहचाने, भाई अगर मेरी आवश्यकता है 10 रोटी खाने की एक टाइम में, तो हम 12 का कोशिश करें कि हमारे पास 12 उपलब्ध हो। तो यहाँ पर हम लिमिट में रुकने को नहीं कह रहे हैं कि भाई नहीं 8 ही खाओ आप, पर जो मेरी शरीर की आवश्यकता है उसको हाँ, बिल्कुल, पहले तय करें, उसके बिल्कुल, अधिकार बिल्कुल, पर उसको जीने का प्रयास करें। बिल्कुल
बफर में कुछ ना कुछ होना चाहिए, इमरजेंसी फंड बफर में कुछ हमेशा होना चाहिए। ये मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हमें लेना ना पड़े, देना ना पड़े, इतना बफर में हमारे पास स्पेस में चीजें होनी चाहिए, वो एक आवश्यकता अनुसार होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। थैंक यू सर। निधि चतुर्वेदी जी हैं, नमस्ते निधि जी। जी सर, सर आवाज आ रही है सर? हाँ जी, निधि जी आ रही है, बताइए। हाँ जी सर, सर जैसे कि आपने पूछा था कि आपके पास संसाधन कितने हैं, तो मुझे लगता है सर पर्याप्त तो है और समृद्ध भी है, बट सर ये समझ में आता है कि कई बार संसाधन रहते भी है लेकिन फिर भी लोग उस तरीके से अपने आप को फील नहीं करते कि मैं सुखी हूँ, है ना। एक रिक्शे वाले को भी देखिएगा सर, उसके पास संसाधन पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो वो अपने आप को बहुत अच्छा समझता है, बजाय उनके कि जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए है। तो सर कई बार मैं सर समझ नहीं पाती हूँ कि आपकी संपन्नता आपकी समृद्धि का सूचक है सर कि नहीं है, यही मुझे डाउट था सर बस। अभी देखिए, जो संपन्नता की बात कर रहे हैं कि मेरे पास संपत्ति आ जाए, अगर वो नासमझी में आएगी तो हम बहुत सारी गड़बड़ी भी करते हैं। अभी देखिए, पूरे विश्व में जो है ये दिखाई देता है कि जो पर्यावरण वो ट्रेवलिंग का है, एक जगह से दूसरी जगह जाने का, और एक बड़ा है बिजनेस था, तो वो अभी ठप्प पड़ गया है, बहुत लोग एक दूसरी जगह जा नहीं रहे। तो अब लोगों ने क्या प्रयास कर लिया कि भाई हम स्पेस पे जाएंगे। अभी क्या हो रहा था, इंडिया का व्यक्ति जो है वो किसी ऑस्ट्रेलिया गया, वहां पर उसने कुछ सामान खरीदा, तो पैसा जो है वो कम से कम हमारी धरती में ही रह रहा था, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुआ था। अब वो क्या किया, वो करोड़ों रुपए लगाकर उन्होंने जो है स्पेस में जाके उड़ा के चले आए। तो बहुत उनको हम कह रहे हैं कि बहुत संपन्न लोग हैं वो, करोड़ों रुपए उनके पास है, स्पेस में भी जा पा रहे हैं वो, क्या वो समझदार भी हैं? इसको भी देखने का मुद्दा है। तो संपन्नता से समझदारी बहुत दिखती नहीं है, जब समझदारी नहीं दिखेगी तो समृद्धि भी नहीं दिख पाती है, क्योंकि समृद्धि को तो वही कह रहे हैं कि भाई आवश्यक सुविधा का निर्धारण कर पाए हम सही समझ के अधिकार पर, और वहां से फिर उसकी उपलब्धि के लिए कुछ सही हुनर सीख लें उसके अधिकार पर, उसको करें, तो अपने में ये सारी बातें जो है वो क्लैरिटी उसकी हो पाती है। लेकिन अगर ना समझी में करने जाते हैं तो बहुत सारा इस तरह का काम करते रहते हैं, बहुत सारा इस तरह के प्रयास में हम लोग लगे रहते हैं। जी निधि जी, ये बात कुछ मैं पहुंचा पाया आप तक? आपका माइक म्यूट है निधि जी। ठीक, तो मुझे लगता है कुछ थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं कंटेंट को, और फिर समय रहेगा तो हम लोग फिर बहुत सारे प्रश्न है इस पर चर्चा करेंगे। अभी अगर आवश्यक सुविधा का निर्धारण वही है, जैसे कल उदाहरण भी दिया था कि अगर हम लोग सोचें एक कप है, कप का पेंदी नहीं है, उसका बेस नहीं है, और सोचें कि उसमें हम सुविधा रख दें, उसमें चाय रख दें, पानी रख दें, तो वो कितनी भी रखेंगे वो कमी पड़ेगा, वो कभी भर नहीं पाएगा। हम कितना ले आए उसमें, वो हमेशा खाली का खाली बना रहेगा। तो वो जो उसकी बेस है, पेंदी है, वो वही है कि मेरी आवश्यक सुविधा का निर्धारण हो जाए। अभी एक एक्सरसाइज आप लोग अगर करके देखें, आपके पास कितनी जोड़ी कपड़े हैं, इसको आज थोड़ा सा सेशन के बाद आपको समय मिले तो इसको थोड़ा सा गिनेगा, और कल सुबह आप बताइएगा कि गिन के आए और कितना जोड़ी कपड़े आपके पास हैं, पूरा आप जोड़ लें, घर में पहनने के, ऑफिस में पहनने के, बाहर जाने के, ठंडी के, गर्मी के, उसको एक चार्ट बनाएं, पेन पेपर में ही बनाएं, पर उसको बना के लिखें कितने जोड़े पैंट है, कितनी जोड़ी शर्ट है, कितना जोड़ी सलवार सूट है, कितना जोड़ी साड़ी है, क्या है, इसको थोड़ा सा लिखें, बनाएं उसको, देखें फिर। अभी बहुत सारे कपड़े हमने पहनना छोड़ दिया, क्यों पहनना छोड़ दिया, ये फैशन में नहीं है, हम जाएंगे तो हमारा अपमान हो जाएगा, ऐसा सब हमको लग रहा है।
जैसे वो रहता है ना महिलाओं का, कभी जो है वो पतली हील का फैशन आ गया, कभी वो मोटी हील का फैशन आ गया, वो बदलता रहता है। इसके ऊपर एक मूवी भी है, आप लोग अगर यूट्यूब में देखेंगे तो एक द स्टोरी ऑफ स्टफ, इस नाम की चीजों की कहानी, इसकी बात एक मूवी भी है, वो भी आप लोग देख सकते हैं, 15-20 मिनट की मुझे लगता होगी वो भी आप देख सकते हैं। जी इंजीनियर साहब आप वो भी जोड़ लें। बढ़िया। तो इतनी बात जो है वो समृद्धि को लेकर है। अगर हम हमारा फोकस पैसे में है तो कितना पैसा लगेगा वो डिफिकल्ट है, लेकिन अगर हमको ये बात ध्यान में आ जाए कि भाई हमको उस पैसे से कुछ सुविधा चाहिए, और सुविधा जो है वो शरीर के पोषण संरक्षण और सदुपयोग के लिए है, अगर मुझ में सही समझ हो पाती है, मुझ में क्लियरिटी हो पाती है, तो मैं उसका पोषण संरक्षण और सदुपयोग कर पाता हूँ, अपने में वो क्लियरिटी हो पाती है। अभी देखें तो दो तरह का ये दिखता है, स्थिति दिखाई देती है कि भाई सुविधा विहीन दुखी दरिद्र हैं या फिर सुविधा संपन्न दुखी दरिद्र हैं। जबकि हम होना कहाँ चाहते हैं तो दिखाई देता है हम होना तो सुविधा संपन्न सुखी समृद्ध होना चाहते हैं, तीसरी स्थिति में जाना चाहते हैं, लेकिन पहली कहीं दो स्थिति में फंसे हुए हैं। क्यों फंसे हैं? क्योंकि अभी आवश्यक सुविधा को पहचानना निश्चित नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसका दोलन होता रहता है। अभी देखिए बहुत सारा ये तो आया ना कि सुविधा पर्याप्त तो है, लेकिन तब भी ये लग रहा है कि अभी और चाहिए। क्यों? क्योंकि आवश्यक सुविधा को पहचानना अभी निश्चित नहीं हो पा रहा है, वो दोलन बना रहता है। लेकिन अगर जब अपने में इसकी क्लैरिटी हो पाती है तो मैं देख पाता हूँ कि भाई आवश्यक सुविधा की सही पहचान हो पाती है और सही हुनर से उसका उत्पादन या उपलब्धि में कर पाता हूँ। अब अगर शरीर के स्वास्थ्य की बात करें कि शरीर का स्वास्थ्य कैसे ठीक हो सकता है, कैसे ठीक रह सकता है, हमको उसके लिए कुछ करने की जरूरत है या वहां पर भी सब सिस्टम पहले से ही व्यवस्था बनी हुई है, शरीर मैं के अनुसार काम कर और शरीर के सभी अंग प्रत्यंग के बीच व्यवस्था हो, तो वहां से स्वास्थ्य जो है वो ठीक रहता है। शरीर व्यवस्था में है, एक व्यवस्थित तंत्र है। अभी देखिए खरबों कोशिकाएं हैं जो बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, खरबों हैं ये, एक दूसरे के लिए पूरक है। वो कोशिकाएं छोटी छोटी जो है वो मिलकर कोई छोटा सा जो है वो सेल्स बना दिया, सेल्स जो है वो एक ऑर्गन बना दिया। अभी पूरा जो शरीर को चलाने में हार्ट का भी एक अहम रोल है, लंग्स का भी एक अहम रोल है, किडनी का भी है, लीवर का भी है, इंटेस्टाइन का भी है, ब्लड सबका एक अहम रोल है, और ये सारे एक दूसरे से के पूरक हैं, एक दूसरे को बहुत परेशान कर नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के पूरक हैं और एक बड़ी व्यवस्था में अपना भागीदारी निभा रहे हैं। शरीर एक जड़ इकाई है और इसका निश्चित आचरण है, निश्चित पहचानना और निर्वाह करना है, और ये प्रकृति की बाकी इकाइयों पेड़ पौधे मिट्टी पानी सभी के साथ प्राकृतिक रूप से व्यवस्था में बना हुआ है। शरीर में व्यवस्था सुनिश्चित करना मैं की जिम्मेदारी है कि वो शरीर की व्यवस्था बनी रहे, शरीर के प्रति जिम्मेदारी का मैं में भाव है, उस जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए जो आवश्यक है वो मैं को सुनिश्चित करना है। ये भाव शरीर के स्वास्थ्य को भी सुनिश्चित करता है। लेकिन वर्तमान स्थिति क्या हो गई है कि मुझे लगता है कि भाई मैं कुछ दूसरे ने जो खा के या बनाया और बनाने के बाद उसने स्टेटस डाला व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर और कहीं,
वो मुझे भी कल वो बना कर स्टेटस में डालना है, तो अब मैं खुद के अधिकार पर तय कर रहा हूँ क्या खाना है क्या नहीं खाना है, या दूसरे के अधिकार, तो मैं दूसरे के आधार पर तय कर रहा हूँ, तो वो एक मान्यता बन गई कि दूसरों के ध्यान आकर्षित करने के लिए या दिखावे के लिए भोजन का चयन हो रहा है, फिर स्वाद के लिए भोजन का चयन हो रहा है, या फिर ये बात ध्यान में है कि संयम का भाव शरीर में बना हुआ है और शरीर के पोषण के अर्थ में भोजन का चयन हो रहा है। जब भी भोजन का चयन होता है तो वहां इन तीनों में से कौन सी बात हमको मुख्यतः ध्यान रहती है? 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। जब भी हम भोजन का अपने चयन करने जाते हैं तो वहां पर कौन सी बात मुख्यतः हमको ध्यान में रहती है? 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर? बढ़िया, कुछ लोगों का आ रहा है कि संयम का भाव ध्यान में रहता है, कुछ लोगों का ये भी आ रहा है कि भाई दूसरों का दिखावे के लिए या स्वाद भी ध्यान में रहता है। बढ़िया, अच्छा रिफ्लेक्शन है, सब लोग अपना अपना बहुत जेन्युइन रिफ्लेक्शन जो है वो दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब जब स्वास्थ्य का कार्यक्रम देखने जाते हैं, ठीक है, तो चैट बॉक्स रुक सकते हैं वहां पे। अगर स्वास्थ्य का कार्यक्रम देखने जाते हैं तो ये था कि भाई अगर मेरा आहार, अब आहार में क्या चीजें हैं, तो भाई आहार में ये दिखता है कि जो भी हवा पानी रोशनी सूरज की भोजन है, तो ये सब जो है ये मेरा आहार है। तो ये अगर मेरा आहार ठीक है और साथ ही साथ जो मेरा विहार है, विहार मतलब जीने की जो शैली है जिसको जीवन शैली कह रहे हैं, उठने का समय सोने का समय खाने का समय किस तरह से खा रहे हैं ये सारी चीजें, ये अगर ठीक है और साथ ही साथ मैं कुछ श्रम भी कर पा रहा हूँ, श्रम किसको कहा, जिससे सुविधा का उत्पादन भी हो सके। जैसे हम घर में हैं भाई, हमारे पास थोड़ी सी जगह है, हमने जो है वहां पर कुछ लगा दिया, कुछ ऐसा बीज है तरोई के बीज निनुआ का बीज कुछ ऐसा छोड़ देते हैं, तो भाई वहां पर पता चला पेड़ निकल आ रहा, उसकी कुछ खुदाई कर दी, तो इस तरह से कुछ श्रम भी हो जा रहा है और वहां से उत्पादन हो जा रहा है, कुछ सब्जी का उत्पादन हो जा रहा है। तो अगर ये तीन चीज हमारी ठीक रहती है तो वहां से हमारा जो है स्वास्थ्य ठीक रहता है। अभी जो आहार को भी देखें, जो भोजन को देखें, तो भोजन को देखने में अभी ये देखता है कि भाई हमको पोषण जरूरी है हमारे स्वास्थ्य के लिए शरीर के लिए। पोषण किस तरह से हो, तो जब भी हम भोजन को देखने जाएं तो क्या देखें, कि वो स्वादिष्ट हो या स्वादिष्ट के साथ साथ पौष्टिक भी हो, स्वादिष्ट और पौष्टिक के साथ साथ पाचक भी हो, स्वादिष्ट पौष्टिक और पाचक के साथ साथ निष्कासक भी हो। अगर हम ये चार चीजों को देख पाते हैं तो वो भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए हमारे शरीर के लिए ठीक दिखता है। लेकिन अगर हम उसमें ये नहीं देख पा रहे हैं कि भाई वो कुछ पोषण तो पहुंचा रहा है पर वो निकल नहीं पा रहा है, उसका टेस्ट तो बहुत अच्छा है पर बहुत पोषण नहीं है, तो वहां से हमारा स्वास्थ्य बहुत ठीक हो जाए ऐसा मुश्किल है हो पाना। फिर अभी आप देखें बहुत सारा जो ये दिखाई देता है कि भाई बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई जल्दी जो लाइफ स्टाइल है वो गड़बड़ हो गई है। अब जो लाइफ स्टाइल है वो क्या गड़बड़ हो गई, एक समय बना है भाई कि प्रकृति का एक नियम के अधि जो बना हुआ है उसके हिसाब से जो मेरा शरीर है उसका भी एक नियम है कि भाई सुबह सूरज उठने मतलब सूरज उगने के साथ हम अगर उठ जा रहे हैं, शाम को सूरज ढलने के थोड़ी देर बाद अगर सो जा रहे हैं, उसी तरह खाने का नियम बना है, किस तरह से खाना है, चबा चबा के खाना है कि सीधे खा लेना है, पानी कैसे पीना है, अगर ये सारी बातों पे ध्यान जाता है तो ये दिख पाता है कि भाई हमारा जो है विहार भी ठीक हो पाता है। और ये दिखता है कि भाई हम शाम को घर आए
हमको लगा कि भाई घर पे सब्जी लानी है, हमका ठीक है भाई सब्जी 1 किलोमीटर दूर से जानी है, हम पैदल चले गए, साइकिल से चले गए, तो थोड़ा श्रम भी हो गया, कुछ वहां से चीज भी ले आए। अब हमको लग रहा है कि भाई वहां फिर से कार से जाएं, फिर से बाइक से जाएं, तो ऐसा होता है। तो अगर ये एक और दो चीज जो ग्रे में लिखा हुआ है, आहार विहार और श्रम, अगर हम इतना कर लेते हैं तो हम स्वस्थ बने रहते हैं, ये अगर हमारा ठीक हो जाता है। तो अगर श्रम नहीं कर पा रहे हैं तो वहां पर व्यायाम। अभी देखें, श्रम जैसे हम घर में झाड़ू पोछा लगाने का काम है, सफाई रखने का भाई काम दिखता है। अब अगर हम झाड़ू पोछा लगाते हैं तो हमारे शरीर का हर एक जो अंग है, जॉइंट है जितने भी, वो सारों का मूवमेंट हो जाता है। लेकिन हमने क्या किया कि नहीं भाई मैं झाड़ू पोछा लगाऊंगा तो लोग मुझे क्या बोलेंगे, मैं इतना बड़ा अधिकारी होके झाड़ू पोछा लगाता हूँ अपने घर का, इसके लिए मैं एक भाई को रखूंगा। अभी आप देख लें कि आपके परिवार में, मतलब आप ज्यादा स्वस्थ हैं या वो जो काम करने वाली महिला या पुरुष जो आपके घर में काम कर रहे हैं वो ज्यादा स्वस्थ हैं, आप इसको भी थोड़ा सा देख लें। और आपको ज्यादा सैलरी या आपके पास सुविधाएं ज्यादा है या उस व्यक्ति के पास सुविधाएं ज्यादा है, पर हमने इसको जो है श्रम को दुख मान लिया कि श्रम तो हमको दुख देता है तो श्रम नहीं करेंगे भाई। दूसरा आप करेंगे क्या, तो हम का व्यायाम करेंगे। क्या करेंगे भाई, हम कार से जिम जाएंगे और जिम जाके साइकिल चलाएंगे। जिम जाके हम जो है वहां 30-30, 50-50 किलो का वजन उठा ले रहे हैं। घर में माता जी ने कहा, घर में पत्नी जी ने कहा कि भाई सिलेंडर थोड़ा उठा के इधर रख दो, सिलेंडर तो 30 किलो का है, तो हमसे नहीं उठ रहा वो। हमने कहा कि भाई उसको खरीद, उसको रखने के लिए वो ट्रॉली आती है वो खरीद लो, पैसा है हमारे पास। ऐसे सब कंफ्यूजन में फंसते जा रहे। तो फिर अगर श्रम और व्यायाम ठीक हो पाता है या उसमें अगर ध्यान नहीं जा पाता, वहां कुछ गड़बड़ी होती है, तो फिर आसन और प्राणायाम करते हैं। आसन का मतलब आंतरिक और बाहरी अंगों को नियमित करने के लिए, और प्राणायाम सांस लेने के लिए। अब अगर यहां तक 1, 2, 3 में भी कुछ पूरा नहीं पढ़ पा रहा है, यहां भी गड़बड़ी होती है, तो फिर औषधि लेने की जरूरत पड़ती है। और वो औषधि भी हमारे घर के किचन में ही बहुत सारी औषधि है, सौंफ है, हल्दी है, जीरा है, अजवाइन है, मेथी का दाना है, ये बहुत सारा। देखिए आपको जो औषधि है वो आपके किचन में मिल जाती है। आप कोई दवा उठाएं, दवे का आप जो इंग्रेडिएंट है उसको पढ़ें, तो बहुत सारा उसमें वो यही सब इस तरह की चीजें आपको दिखाई देती। लेकिन अभी क्या है, अभी हमको तो पूरा जो हमारा भोजन है वो टेस्ट के ऊपर है, और हमको लगता है कि भाई जम के खाओ और हाजमोला से पचा, तो हम सीधे 1 नंबर से औषधि में आ जाते हैं। और आप देखें इस तरह के जो एड हैं, इस तरह की जो दवाइयां हैं कि आप पेट साफ रहेगा, भाई ये तो दिखता है कि पेट से बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। पेट साफ करने की बीमारियां जो दवाएं हैं वो डे बाई डे बढ़ती जा रही हैं। इस पर ध्यान नहीं दिलाया जा रहा है कि भाई जितनी हमारी आवश्यकता है उतने ही खाएं। ये दिखाई दे रहा है कि भाई भरपेट खाएं या पत्नी के प्यार में खाएं भरपेट, जी भर के, इस तरह का। अब जी को भरने जा रहे हैं भोजन से, वो भरता नहीं है। ऐसा सब गड़बड़ी जो है वो दिखाई दे रही। अगर औषधि से भी कोई चीज ठीक नहीं हो पाती है तो फिर वहां पर जो है वो उपचार या शल्य चिकित्सा, सर्जरी और इन चीजों की आवश्यकता दिखाई देती है। तो अगर 1, 2 और 3 पर चलते हैं तो वहां से चीजें ठीक ठीक पहुंच पाती। लेकिन अगर ये क्लैरिटी नहीं हो पाती है शरीर के लिए, तो फिर हम सीधे 1 से जो है वो औषधि और इस तरह के आधार, जो उपचार, शल्य चिकित्सा, इन सारी चीजों पर कूदते। शरीर मैं के अनुसार कार्य करे, शरीर के अंग प्रत्यारंग के बीच में व्यवस्था हो,
यहाँ पर एक रिफ्लेक्शन ले सकते हैं, जी हमारे साथ आनंद जेपी आनंद जी हैं, नमस्ते। आपका रिफ्लेक्शन हो गया है कि मैं अपने लिए मैं चाहूँगा कि एक स्वस्थ जीवन शैली, मैं सही दिनचर्या, श्रम, व्यायाम, पोषण के साथ स्वस्थ रहना चाहता हूँ, तो मैं अपनी जीवन शैली नहीं चुन सकता, इसलिए दवा और उपचार आदि का उपयोग करना ठीक है। जी आनंद जी बताइए। हेलो, हाँ सभी को नमस्कार। ये पहले तो सत्र चल रहा था, अभी पहले उसमें ये बात कही गई थी, अभी आवाज आ रही जी? आ रही है, पर बीच बीच में कुछ ब्रेक हो जा रही है। आप बताएं, नेटवर्क का बहुत इशू है इसमें भी कुछ। तो जिसमें ये बताया गया था सुविधा के लिए सीमित या असीमित, तो इसमें ये मेरा विचार है कि समुचित होना चाहिए मात्रा, मतलब ना ज्यादा कम ना अधिक, जितना अप्रोप्रिएट मात्रा में यदि कोई वस्तु होगी तो वो शरीर के लिए ही स्वस्थ भी रहेगी, उसको स्वास्थ्य बिगड़ेगा भी नहीं, ये मेरा मानना है। मतलब एक हमारे एक निश्चित मात्रा में संग्रह ज्यादा ना करें, हर चीज का संग्रह ज्यादा ना करें तो ही सुविधा ज्यादा करेगा, ये मेरा मानना है। और जी। दूसरा ये दूसरा कौन सा सवाल है जो स्लाइड पूछ दिया, वो कर रहे हैं अभी? जी ठीक, वो अभी करते हैं। थैंक यू। ठीक बात है, अगर हमको लगता है कि भाई जो आवश्यक सुविधा को पहचान के जो चीजों को पूरा करना है उसको हम समुचित कह दें तो वो समुचित कह दें, उसको लगता है कि भाई वो सीमित कह दें तो सीमित कह दें। तो अभी हम शब्द से भी ज्यादा जो शब्द और उसकी मीनिंग है, उसकी अर्थ है, उसके आगे निकलकर शब्द के लिए, शब्द के पीछे वास्तविकता क्या है उसको देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये बात अगर ध्यान में आ गई कि भाई मेरे लिए जो भी सुविधा है उसको मैं ठीक ठीक पहचान कर लूं और उसके अधिकार पर उसकी पूर्ति करने के लिए प्रयास करूं, उसको अगर हमको सीमित कहना है सीमित कह दें, हमको समुचित कहना है समुचित कह दें। तो ये तो दिखता है लगभग 100% लोग इसी बात को कह रहे हैं कि भाई मैं स्वस्थ जीवन शैली में जो है वो जीना चाहता हूँ। ठीक बात है, बढ़िया। तो अगर इस पूरे सत्र को सार संक्षेप देखें तो इसमें ये बात ध्यान में आती है जो बात आज यहाँ पर रखी गई आप सभी के लिए, हम सभी के लिए, मैं अपने में भी जब ये बात पूरी रख रहा हूँ तो अपने में भी जांच परख कर पा रहा हूँ कि भाई क्या ये मेरे लिए भी ठीक है। मनुष्य स्वयं में और शरीर के साथ अस्तित्व है, मैं मानव के होने का केंद्र है, शरीर मैं का केंद्र तो नहीं मान लिया है, सुविधा में पैसे को भी तो केंद्र नहीं मान लिया है, इसको देखने की जरूरत है। जबकि पैसे से निकलकर शिफ्ट होना सुविधा तक, सुविधा से शरीर तक, शरीर से मैं तक, मैं से सही समझ सही भाव तक, ये दिखता है कि मैं मानव के होने का केंद्र है। स्वयं में, स्वयं और शरीर के बीच लेन देन केवल सूचना के रूप में होता है, शरीर के पोषण, संरक्षण और सदुपयोग के लिए सीमित मात्रा में सुविधा की आवश्यकता है। समृद्धि जो है वो आज सुबह मैं एक अपनी मौसी हैं उनके यहाँ गया, बहुत मतलब जिसको कहें कि आज की डेट में बहुत सुविधा इस तरह का बहुत नहीं, पर गया तो बोले कि लो भाई थोड़ा हमारे जो है वो गांव से
गेहूं जो है वो भी नहीं, धान जो है तो विष्णु भोग एक यहाँ इलाहाबाद में एक तरह का हो चावल है, हो सकता है आपके उधर भी आता हो, वो आया है और देखो अच्छा है, छोटा बारीक है, पकता है, और वो 5-7 किलो निकाल कर दे दे रहे हैं। तो वो जब ये दे रहे हैं तो समृद्धि के भाव के साथ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, इसको भी देखने की आवश्यकता है। इस तरह का वो दिखता है तो आवश्यक सुविधा की पहचान हो गई है सही समझ के अधिकार पर, और आवश्यक सुविधा से अधिक की उपलब्धि या उसको उत्पादन सुनिश्चित करना है सही कौशल के साथ। जब मैं में संयम का भाव होता है, शरीर स्वस्थ रहता है, तब मैं और शरीर व्यवस्था रहे, मैं और शरीर में व्यवस्था रहती है। संयम कहा शरीर के प्रति जिम्मेदारी के भाव को, शरीर के पोषण संरक्षण और सदुपयोग के लिए। स्वास्थ्य शरीर मैं के अनुसार कार्य करता है और शरीर के सभी अंग प्रत्यंग के बीच व्यवस्था होती है। तो इस पूरे आज के जो इस सेशन में देखें तो इतनी चर्चा थी। यहाँ पर अगर आप लोगों के जो भी विचार हैं, जो भी बातचीत है, वो हम लोग ले सकते हैं। तो राज भंवर सिंह जी हैं, प्रभा बैरागी जी हैं उज्जैन से जी। सर नमस्कार, सभी को नमस्कार जी। नमस्ते जी सर। मैं प्रथम तो ये कहना चाह रही थी सर कि जो ये सेशन आप ले रहे हैं ये वाकई में बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इतना डीपली कभी भी हम मतलब जिंदगी की आपाधापी में हम डीपली एक एक शब्द को, एक एक उसके मीनिंग को हम समझ ही नहीं पाते, और हम बस अपनी देखा जाए तो ख्वाहिशों को पूरी करने में और अपने आप को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को बहुत धन्यवाद, आपकी टीम को और मुझे जिनने और आप सबके साथ जोड़ा उन सबको भी बहुत धन्यवाद। तो और आगे मैं जो कहना चाह रही थी, मुझे आज बहुत अच्छा लगा कि आवश्यकताओं के ऊपर आज ये सेशन था कि हमको कितनी आवश्यकता है किस सामान की या किस वस्तु की। तो मैंने एक बार इकोनॉमिक में पढ़ा था 11th में कि जितना एक रोटी की आपको भूख होती है, आवश्यकता होती है पहली रोटी की, उतनी दूसरी रोटी की आवश्यकता नहीं होती। तो मुझे और बचपन से मुझे पापा ने जो सिखाया कि प्रसन्नता के 2 सूत्र हैं, आवश्यकताओं में कमी और परिस्थितियों से तालमेल, तो मैं हमेशा इनको ध्यान में रखकर चलती थी। तो मुझे आज वाकई में बहुत अच्छा लगा कि हम सिर्फ जरूरत के अनुसार, हमारी जितनी आवश्यकता है हम उतना ही सामान को खरीदें। कपड़े भी कई बार ऐसा होता है कि फैशन चली जाएगी तो हम सीमित मात्रा में ही खरीदते हैं, पर फिर भी 2-2, 4-4 जोड़ हम खरीद के लाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हो हमको वाकई में जितनी हमारी आवश्यकता है हमको उतना ही खरीदना चाहिए। तो सर थैंक यू सो मच, और बहुत बढ़िया सेशन के लिए आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू सर। सर मेरी आवाज आई? धन्यवाद, थैंक यू जी। आई है, अच्छे से आई जी। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग ध्यान दे पा रहे हैं ये तो काफी अच्छी बात है जी। राजीव भार्गव जी हैं हमारे साथ, नमस्ते राजीव जी। नमस्कार सर, सभी को नमस्कार। आपने जो स्वास्थ्य पे चर्चा की वो बहुत सही बात थी। यदि हमें स्वस्थ रहना है तो हमें योग प्राणायाम और श्रम भी करना पड़ेगा, और खान पान में भी सुधार लाना पड़ेगा। यदि खान पान में सुधार नहीं होगा तो अपन स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। मैंने भी अभी कुछ समय पहले से अपने खान पान और दिनचर्या में परिवर्तन किया, जिससे मुझे उसका फायदा हुआ और मेरी दवाएं भी छूट रही हैं, साथ में मुझे अपना वजन भी कम हो रहा है। धन्यवाद साहब, आपका बहुत बढ़िया सेशन है, इसके लिए आप सबको, पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये बात तो ठीक है कि भाई स्वास्थ्य को ध्यान में रखना पड़ेगा, और वो जो स्वास्थ्य का ध्यान रखने का काम है वो कहाँ हो रहा है, तो मैं में हो रहा है, स्वयं को करना पड़ेगा। मैं अगर अपन स्वस्थ रहेंगे तो ही अपन भोजन बाकी चीजों जो आवश्यक चीजें हैं उनका उपभोग कर पाएंगे।
यदि शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो ज्यादा कपड़े ज्यादा अन्य चीजें भी अपने लिए बेकार रहेंगी, ये ऐसा मेरा विचार है। अच्छा, ठीक बात। तो रश्मि खरे जी भी हैं, धन्यवाद राजीव जी। रश्मि जी आप बताएं। आप जी सर नमस्कार। सुबह से ही मैं सत्र को सुन रही हूँ और बहुत अच्छा भी लग रहा है मुझे। वाकई बहुत सारी चीजें जो हम नहीं सोच पा रहे थे, जैसे शरीर और मैं को हम अलग करके नहीं देख पा रहे थे, तो उस तरफ हमारा ध्यान गया और हम उस पर विचार कर रहे हैं और करेंगे भविष्य में। पर जैसे कि सीमित आवश्यकताओं में बहुत सारी चीजें हैं, मतलब सीमित होनी चाहिए आवश्यकताएं, ये मैं भी समझती हूँ। लेकिन कितना भी सोचो सर, लेकिन फिर भी जैसे कपड़े को लेकर बात हो रही है, तो आजकल मुझे ऐसा लगता है कि जो आदमी का मतलब कपड़े को एक स्टेटस के तौर पे बना दिया गया है। जैसे कि मैं एक बात कहूं कि यदि आप किसी पार्लर में जाते हैं या किसी ऐसी जगह जाते हैं और वहां पर कोई लेडी है या जेंट्स सैलून भी है आजकल, और यदि वो बहुत पुराने डिजाइन के कपड़े पहना हुआ रहेगा तो उसको हम देखें, या किसी ऐसे अपडेटेड पार्लर में जाएं जहां का ओनर एकदम मतलब वेल मतलब पहना हुआ हो, उसका ड्रेसअप बहुत अच्छा हो, तो आदमी का क्या फर्क पड़ता है? लोगों की मानसिकता जो रहती है वो दोनों पर क्या फर्क पड़ता है? तो लोग ऐसा लगता है कपड़ों से ही आकलन करते हैं, कई बार मैंने भी नोटिस किया है और ऐसे चीजें देखी भी हैं। जैसे कि हम गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं, तो बनी पता नहीं कैसा है मेरा तो पहनने का ड्रेसअप, ये देखने वाले ही बता पाएगा। मैं अपने हिसाब से तो अच्छा ही पहनती हूँ, पर फिर भी जब हम अच्छे जो मतलब बहुत हाई फाई लेवल के प्राइवेट स्कूल हैं, जब हम उनकी टीचर्स को देखते हैं, तो मैं देखती हूँ, मैं खुद स्वयं भी इस चीज को देखती हूँ कि उनके आगे मतलब हमारा जो ड्रेसअप है वो कुछ नहीं है। और हमारे यहाँ ऐसे जब ट्रेनिंग्स वगैरह होती है या कुछ चीजें होती हैं, तो हमारे जो कुछ ऐसे मतलब मास्टर ट्रेनर्स हैं, अधिकारी कहूँ उनको, वो इस बात पे भी जोर देते हैं कि नहीं नहीं मतलब वो गए जमाने के टीचर्स जैसे मत बनिए, थोड़ा अपने आप को मेंटेन रखिए, प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स को देखिए, और लोग इसलिए अट्रैक्ट होते हैं, जैसे बिल्डिंग को देखें प्राइवेट स्कूल की, सरकारी स्कूल की तरफ क्यों नहीं आते हैं लोग, क्यों नहीं लोग बच्चों का नाम लिखाना चाहते हैं, उनकी बिल्डिंग को देखिए, ढांचे को, स्ट्रक्चर को देखिए, चाहे वहां का टीचर डॉक्टरेट ही क्यों ना हो, 100% जो हैं वो गवर्नमेंट में, जो चाहे डॉक्टर बोलूं मैं चाहे मास्टर बोलूं, वेल क्वालिफाइड हैं। कंपैरिजन करूं यदि बजाय प्राइवेट हॉस्पिटल्स के और प्राइवेट स्कूलों के, लेकिन फिर भी लोग क्यों नहीं अट्रैक्ट हैं, ये प्रश्न मेरे मन में आता है। तो ऐसा लगता है कि क्या दिखावे में हम पीछे हैं इस वजह से? तो फिर सुविधाओं को जी ठीक बात है। अगर हमारे जो क्लैरिटी नहीं हो पा रही है, अगर हमने मानव को केवल शरीर मान लिया है कि मानव बराबर शरीर, तो जो आपने बात की वो बिल्कुल ठीक है, ऐसा अगर है। लेकिन अगर हमको ये बात ध्यान में आ पाती है कि मानव में मैं भी है और शरीर भी है, मेरी कुछ अलग आवश्यकताएं हैं, शरीर की कुछ अलग आवश्यकताएं हैं, ये अगर क्लियर हो पाता है तो वहां ध्यान जा पाता है कि भाई शरीर की आवश्यकता कैसे पूरी होगी और मैं की भी आवश्यकता कैसे पूरी होगी। अभी जैसा आपने ये उदाहरण दिया, और ये बात भी ठीक है कि जब हम सामने वाले व्यक्ति को, किसी दूसरे व्यक्ति को, अपने पड़ोसी को, दूसरे व्यक्ति को देखते हैं, तो क्या ध्यान जाता है कि उसके कपड़े कैसे हैं, उसका मोबाइल कैसा है, उसका जूता कैसा है, उसकी गाड़ी कैसी है, इन मुद्दों पे ध्यान जाता है? या ये बात ध्यान में आती है कि मैं भी मानव हूँ, ये भी मानव है, मेरे में भी मैं है और शरीर है, इस मानव में भी मैं और शरीर है, मेरी भी कल्पनाशीलता चल रही है, इस मानव की भी कल्पनाशीलता चल रही है, ये ध्यान में आता है? क्या ध्यान में आता है? तो दिखता है कि अभी तो ये जो सुविधाएं हैं वही ध्यान में आता है और वहां से ये गड़बड़ी जो है वो चल रही है। लेकिन अगर हम शिक्षक लोग हैं, बहुत सारे लोग भाई शिक्षक नहीं है, किसी दूसरे पद पे हैं, पर हमारे घरों में तो बच्चे हैं, हम बच्चों तक इस बात को पहुंचा सकते हैं। अगर बच्चों तक बात को पहुंच पाते हैं तो अगली पीढ़ी में ये बात पहुंच जाएगी, वहां तक भी ये बात ध्यान में जा सकती है।
तो इस तरह हम अगली पीढ़ी तक भी बात पहुंचा सकते हैं और समाज एक सज भी सकता है। पर मुख्य मुद्दा क्या है कि अपने में एक क्लैरिटी हो पाए। अभी हमारे में ही ये क्लैरिटी जो है वो नहीं बन पा रही है। बहुत सारे हैंड रेज हैं, हालांकि समय भी हो गया है तो मैं यहाँ पर तो इस सेशन को रोकना चाहूंगा और क्लोजिंग रिमार्क के लिए मैं अखिलेश अर्गल जी से बात रखने के लिए मैं निवेदन करूंगा कि वो आज के उस पूरे सत्र को अगर कुछ क्लोजिंग रिमार्क के साथ रखना चाहे। धन्यवाद जी। जी आज हम लोग आवश्यकताओं पर चर्चा कर रहे थे और शरीर और हमारी जो मैं है या सेल्फ है उसकी आवश्यकताएं अलग अलग हैं। एक की आवश्यकताएं सीमित हैं, एक की आवश्यकताएं असीमित हैं। अभी भी हमारे बहुत सारे साथियों के मन में बहुत सारे विचार होंगे, मेरे मन में भी बहुत सारे विचार हैं, क्योंकि इसी चीज़ को मैंने दूसरे तरीके से समझा हुआ है। और मेरे ख्याल से शायद हमारे विचार, हमारे जो सवाल हैं उनके जवाब हमें अभी और आगे मिलेंगे, और अगर नहीं मिलते हैं तो फिर हम लोग उन पर अंतिम दिवस पे चर्चा भी कर सकते हैं। धन्यवाद, अभी मैं इतना ही बोलूँगा। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुनील सर भी हमारे साथ पूरे सत्र में बने रहे। अगर सुनील सुमानी सर कुछ बात रखना चाहें इस पूरी चर्चा को लेकर। नमस्ते सभी को, नमस्ते अर्गल जी और पूरी यूएचवी और आरएएस की टीम। मैंने पूरे सत्र में कई चीजें ऑब्जर्व की, तो मैं सिर्फ एक निवेदन सबसे करना चाहूंगा कि चूंकि समय की अपनी एक मर्यादा है और कई बार हमने देखा है कि हैंड रेज होते हैं, जवाब देने की कोशिश भी होती है, और जैसा अर्गल जी ने अभी हल बताया अभी कि कई जवाब जो हैं वो अगले सत्रों में निश्चित रूप से एड्रेस हो भी जाएंगे और कई क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो हमारे मन में ही रह जाएंगे। तो मेरा निवेदन है कि आप उसको पूरे 5 दिन की जो वर्कशॉप होती है उसमें जो डिस्कशन होता है उसके आधार पे ही स्वयं से उसका जवाब लेने की कोशिश करें, क्योंकि पूरी यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू की जो वर्कशॉप्स होती है उसमें हम अपने आप को एक्सप्लोरर बोलते हैं। कहीं पे भी ये डिफाइन नहीं किया है कि ये जो हैं बहुत एक्सपर्ट लोग हैं जो आपको कुछ बताएंगे, या हम जो हैं वो बड़े अटेंडी हैं परंतु हम सब सीखने के लिए तैयार हैं। आपको और हमको एक प्रस्ताव के फॉर्म में हर चीज मिलती है, उसके ऊपर हमें भी सोचना है, आपको भी डिस्कशन करना है। जैसा बोला जाता है कि आपको जांचना है, परखना है, डायरेक्टली मानने की जरूरत कुछ भी नहीं है। आप देखें और उसके बाद में जो भी नेचुरल एक्सेप्टेंस है, राइट अंडरस्टैंडिंग से जो चीजें समझ में आ जाए उस पर काम करना है। और फिर भी अगली वर्कशॉप या और भी सेशंस रेगुलर होते हैं उसमें भी इन सब चीजों का जवाब मिल सकता है, परंतु वो जो प्रश्न हैं आपके वो निश्चित रूप से आप नोट करके जरूर रखें, जिससे कि धीरे धीरे करके कोई ऐसा प्रश्न जो अछूता रहे यदि उसका जवाब मिल गया तो उसको जरूर कट कर लें, परंतु जितने प्रश्न अनुरत्तरित रहे, अनआंसर्ड रहे, उन क्वेश्चंस को हम फिर से कभी ना कभी एड्रेस कर पाएंगे। तो ये बस मेरा एक निवेदन है सबसे कि इसके ऊपर काम करें। आज शाम से कल तक का समय है, कल भी कुमार भैया ने कुछ होमवर्क भी दिया था, आज भी सवेरे आलोक जी ने और दिलशाद जी ने अभी हल जो बात की है तो कई चीजें बोली है कि भाई आप अपने घर पे इसको कोशिश करें, चाहे वो कपड़ों की काउंटिंग हो या आपकी जो इच्छाएं हैं, असीमित इच्छाएं हैं। मैं अपने बारे में मैं बता सकता हूँ, जब पहली बार दिलशाद जी ने वर्कशॉप ली थी इंदौर में, फिजिकल वर्कशॉप थी,
और उस वर्कशॉप में हम जितने लोग बैठे थे, हम करीब 50 लोग हैं ऐसा आप मान लें, तो 50 लोगों की यदि हमारी वर्कशॉप थी तो एक बोर्ड पे सबकी अनंत इच्छाएं जो हम बोलते हैं, दिलशाद जी ने कोशिश की थी कि आप बोलते जाइए मैं बोर्ड पे लिखता जाऊंगा, तो सब कुछ लिखने के बाद भी बोर्ड खाली ही रहा, मतलब इच्छाएं अनंत। हम ऐसा सोचते हैं जैसा बोला है कि आप एक कागज में नोट करें, तो आप कोशिश करें तो इच्छाएं और ऐसी कोई भी चीज जो बोली गई है इसको करके देखें तो एकदम बहुत आसानी से, और हमें ये समझ में आता है कि ये जो बातें हो रही है पूरे वर्कशॉप के दरमियान उसका बड़ा उपयोग है और प्रैक्टिकल यूटिलिटी है। बस मुझे यही कहना है कि कोई भी चीज जो आपके पास अनआंसर्ड रहे उसको आप निश्चित रूप से नोट करके जरूर रखें, और जब भी यथासंभव हो सकेगा तो ये वर्कशॉप के दरमियान ही आपको उसका आंसर मिलेगा, और जब नहीं मिल पाए तो हम और नई वर्कशॉप या बहुत सारी ऐसे फोरम होते हैं जो सैटरडे को ये रेगुलर मीट होती है तो उसमें भी डिस्कशन किया जा सकता है। बाकी मेरी तरफ से सभी प्रतिभागियां जितने हैं उन्होंने बड़े सवेरे से शाम बिल्कुल एकदम एक ध्यान से चीजें नोट भी की है, और काफी क्वेश्चंस बीच में आते हैं, मतलब सब लोग बड़े ध्यान से उसको अटेंड कर रहे हैं, इसका धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते सर, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी बात के लिए, पूरी चर्चा के लिए, काफी अच्छे से आपने बात को जो है वो जी। परीक्षित भैया अभी रोक सकते हैं। जी जी ठीक बात भैया, समय भी हो चला है तो हम लोग चर्चा को यहाँ पे रोक सकते हैं। कल्पना आप सबसे चर्चा को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे, और कल ये रिक्वेस्ट है आप सभी से कि कल परिवार में और संबंधों में चर्चा के ऊपर बात होगी, तो आप सब अपने परिवार के साथ अगर सुन पाए तो बहुत अच्छा रहेगा, और मीटिंग 9 बजे से मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाएगी। जी सभी को नमस्ते। नमस्ते।